क्लोनिंग के जरिए एक और मनुष्य को बनाया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिक स्टीफन राज का कहना है। लेकिन सरकार क्लोनिंग के इस वैज्ञानिक खोज को कानून के विरुद्ध समझती है और स्टीफन राज को गिरफ्तार करती है। इसी वजह से क्लोनिंग द्वारा बनाए गए उस मनुष्य को सरकार तुरंत मारने का हुक्म देती है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कई दिनों से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। yeah? सभी लोग अपने ऑफिस में भगवान की फोटो लगाते हैं, लेकिन आपके ऑफिस में कारोबारियों की फोटो? विदेशी बिल गेट्स से लेके हिंदुस्तानी बिल गेट्स मुकेश अंबानी का फोटो मैंने यहाँ क्यों लगा के रखा है तुम्हें कुछ पता है? ये कारोबारी काफी मेहनत करके मंजिल पाई और टॉप 10 मिलियनेयर्स में एक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ यही मेरे लिए भगवान है। सर खैर इन सबको तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन ये कौन है? ये कहीं वो बंदर छाप दंत मंजन के मालिक तो नहीं है? ये मिस्टर काशी विश्वनाथ हैं। वैसे हार के पीछे कई वजह हो सकती है, लेकिन जीत की सिर्फ एक ही वजह है और वो है कठिन परिश्रम, ऐसा इनका कहना है। सब रेडी है ना? रेडी है सर, आप ही का इंतजार हो रहा है। सर गुड मॉर्निंग सर। हाय गुड मॉर्निंग सर। आपसे मिलने के लिए माँ दीदी और छोटी बहन आई है। मगर वो यहाँ क्यों आए हैं? सर आपसे मिलने के लिए आए हैं, और क्यों आएंगे? इसलिए ऑफिस आना जरूरी है। छे 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 जाओ यहाँ से। क्या है यहाँ क्यों आए? मैं घर आ गया होता। 6 महीने हो गए हैं तुझे घर आए हुए, वो भी इनकम टैक्स रेट पड़ी थी इसलिए आए थे। देखो माँ, और कारोबारियों की तरह घर से भरपेट नाश्ता करने के बाद फिर टिफिन करियर में खाना ले जाकर दफ्तर में बैठ के खाने वाले लोगों से नहीं हूँ मैं। 362 बिजनेस करता हूँ और सारी दुनिया घूमते रहता हूँ। हिंदुस्तान के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में मेरा नंबर कितना पता है? नंबर 7। और बहुत ही जल्द मुझे उम्मीद है कि नंबर 1 तक पहुंच जाऊंगा। मेरा सपना क्या है जानती हैं आप? दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, उससे भी 1 रुपया 1 रुपये ज्यादा कमाना चाहता हूं। दरअसल तेरे कितने कमाने से क्या फायदा? तेरी बहन की सगाई पर भी तू नहीं आ पाया था, और इसकी शादी पर अमेरिका से तू इधर बधाई भेजता है। शादी के बाद 3 बच्चों को जन्म दे चुकी हूँ, लेकिन एक बार भी तू इनसे मिलने के लिए नहीं आया। ये बच्चे मामा मामा कह के तुझ पे जान छिड़कते हैं, लेकिन तू है कि एक बार भी अपने हाथों से इनके लिए कुछ नहीं खरीद के लाया। शट अप, शट अप। अमेरिका में बच्चा 5 साल के होते ही रॉकेट के बारे में सोचने लगता है, और तुम चाहते हो कि मैं अपने भांजे भांजियों के लिए लोना वाला चिक्की लेके आऊं कंट्री बूट्स? ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा। हमारे कुल देवता के मंदिर में दिव्या का मुंडन और कान छिदाई का संस्कार है, तू जरूर आना बेटा। इतनी छोटी सी बात के लिए मंदिर मंदिर जाकर टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं आप? बच्ची को अपोलो हॉस्पिटल ले जाकर ENT स्पेशलिस्ट को दिखाइए, कान छेद कर देंगे मेट्रोवर, और उसके बाद उसे ब्यूटी पार्लर लेके जाइए, उस तरह से सरक 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 सर बुढ़वा दीजिए, दैट्स कॉल मुंडन, और फिर पॉन्ड पाउडर के भभू समझकर माथे पे लगाइए, दैट्स ऑल। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप माँ बेटी मेरा दिमाग क्यों चाट रही है बोलिए? हाँ हेलो यार सेठ जी, हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या सर मुंडन संस्कार है? हाँ भाई ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है। सर जी हम लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन आग पे चलना, सर मुंडन संस्कार, ये उपनयन संस्कार, सब तो हमारी भारतीय संस्कृति जुड़ी हुई है।
इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अपनी भांजी के सरमंडन संस्कार में भाग लेने के बजाय किसी सेठ के बेटे के सरमंडन संस्कार में भाग लेने जा रही, यही सोच रही हो ना? बात सुनो, सिर्फ उस सेठ की वजह से साल में 400 करोड़ रुपए कमा लेता हूं मैं, इसलिए उसके बेटे के सरमंडन संस्कार में जाऊंगा, उपनयन संस्कार में जाऊंगा, चाहे कोई भी संस्कार हो जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं 100% व्यापारी हूं। Businessman, 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 ha! Mushkil
बाप रे, कितनी बेइज्जती करके अंदर भेजते हैं और जब बाहर आते हैं तब हाथ खिलाते हुए हमारा स्वागत करते हैं। हाँ दिनेश पांडू सर, आप व्यापारी सूर्य प्रकाश के जीजा है ना? जी हाँ। ये संभव नहीं है, लेकिन जेल कैसे गए? वो संभव नहीं, एक इतिहास है। विषय क्या है बता सकते हैं? वो विषय नहीं, एक विचित्र है। सर आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम नहीं, एक प्रलय है। आपकी बात हमारी समझ से बाहर है। अगर समझ में नहीं आता तो अपने अपने घर जाके टीवी देखो। हम इस तरह नहीं जाएंगे, पहले आप ही बताइए जेल क्यों गए, बताइए ना, जवाब दीजिए। बताऊंगा, जनता के लिए बताऊंगा। एक चिंगारी को आग का रूप दे दिया, आग बुझ गई। इस सोए हुए हाथी को जगाकर, तुम जैसा सोच रहे ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपमान कर दिया। एक जहरीले सांप की विष थैली को कैंची से काट कर फेंक दिया। सच बोल रहे हैं? क्या सर, अभी तक आपने जेल जाने की वजह नहीं बताई हमें। नो बेवकूफ, कहीं का जब बात करता हूँ तो मुंह में मैं क्यों रखता है? अगर सांस रुक के मर जाता तो कोई इंटरव्यू में घर जा रहा हूँ। सर सर सर, आपके मुँह में कवर रह गया सर। कैसा कवर? सर मेरा मतलब माइक का कवर आपके मुँह में। माइक का कवर मेरे मुंह के अंदर? जी हाँ सर। ये मेरे मुंह के अंदर कैसे गया? मुझे ही बेवकूफ बना रहा है बेवकूफ। एक मिनट रुक जा, आज तेरा घर वाला जेल से बेइज्जत होकर यहाँ पर आया है। मेरी सास के तेवर तो देखो, आज जमाई घर है, उसकी आरती उतारने के बजाय तुम्हारी बहन ऐसे देखती है जैसे उसके सामने कोई भूत खड़ा हो और तुम एकदम स्टैच्यू बन गई। आखिर मुझे इस घर में समझा क्या है? चुपचाप रहिए, जेल जाने से पहले अगर मुझे खबर की होती तो मैं अपने भाई से बोल के आपको छुड़वा लेती। तुम्हारा पति इतना गया बीता नहीं है, अकेला खड़ा होकर इलेक्शन भी जीत सकता है। इट्स ऑल वन मैन शो, इतना समझ लो तुम। फिर आप गर्जवाई बन के क्यों ले रहे हो? तू उसकी बात मत कर, उसकी बात मत कर। मैं, मेरे दादा, मेरे परदादा, हमारे परिवार में ये सिस्टम चली आई है, उसी सिस्टम से मैं भी आया हूँ। घर में घुसते ही तुम इसकी बात क्यों करती हो? अच्छा अच्छा, वो सब छोड़िए, आप जेल किस वजह से गए थे? बाहर जाओ तो प्रेस वाले, घर आओ तो घर वाले एक ही सवाल करते हैं। बताता हूँ। जिस दिन हादसा उस दिन रविवार था, दोपहर के 2:00 बज रहे थे, रास्ता एकदम सुनसान था। अचानक मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूँ। बकवास मत कीजिए, जो कुछ ही हुआ सच सच बताइए। क्या बताऊँ भगवान, 2-3 घंटे से काबू में रखा था, अचानक बिन देखे मैंने पुलिस स्टेशन की दीवार पर स्प्रे कर दिया। इसका सीधा प्रसारण पुलिस वाले ने देख लिया। मेरी इतनी छोटी सी गलती के बदले उन्होंने मुझे हवालत में डालकर हड्डी पसली कर दी। मेरी प्यारी लक्ष्मी, जो होना था सो हो गया, इसको कॉन्फिडेंशियल रखना, बाहर नहीं जाना चाहिए। हेलो दिनेश, हाँ हाँ मैं ही बोल रही हूँ। मेरे पापा ने पुलिस चौकी के दीवार पे सुसु कर दिया, इसीलिए वो जेल गए थे। तू ये बात जाके सारे स्कूल को बोल देना, खासकर हमारे हिंदी टीचर को। हाँ ठीक है। मशहूर उद्योगपति सूर्य प्रकाश की जन्म कुंडली मेरे हाथों में है और जो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ वो भी उन्हीं से संबंधित है। देखो यार, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बड़ा उद्योगपति है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे दिल में बसा है। वो चाहे कितने भी बिजी हो, मुझसे मिले बगैर नहीं रह सकते। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंस है या प्यार है? दोनों। ये क्या कह रही है? मैंने उनके पैसों के लिए या उनके ओहदे के लिए उनसे प्यार नहीं किया। मैंने उनके बारे में जो रिसर्च किया उससे पता चला कि वो हर एक सेकंड कठिन मेहनत करते हैं, कितने सिंसियर हैं। और उनकी यही सारी अदाएं इस सावित्री के मन को छू गईं और मुझे प्यार हो गया। वही है सूर्य प्रकाश के चीजा। पहली बार साले से पैसे लेना, ऊपर से पानी छिटक के रखा है यहाँ पर, लगता है जान मूझ कर छिटक। हेलो सर, मुझे कहा? क्या बात है? आप अमेरिका के उद्योगपति अब्राहम है ना? आऊं? लंदन एयरपोर्ट में आप, मैं, आपके फ्रेंड्स बिल गेट्स, अनिल अंबानी, सब लोग घंटों बात कर रहे थे, भूल गए क्या? आऊं? देखो, हर चीज के एक लिमिट होती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक झूठ बोलने में मैं नंबर वन हूँ। अभी अभी अपनी पत्नी से झूठ बोलकर बिना मार खाए आ रहा हूँ, अब तुम क्या चाहती हो मुझसे? खामा खा मेरा मूड खराब मत करो, तुम्हें जो कुछ चाहिए मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछ लो। सॉरी सर, हम लोग यहाँ पर
आपके साले सूर्य प्रकाश से मिलने आए हैं। ये कहना चाहिए ना, बेकार में कल्याणी बिरयानी अम्बानी की बात कर रही हो मुझसे। नहीं सर, उनके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। खड़े होने को कहेंगे तो खड़ा होगा और बैठने के लिए कहेंगे तो बैठेगा, कूदने के लिए कहेंगे तो कूद जाएगा। ये देखो, तुम घुमा फिरा कर वहीं पर आ रही हो, तुम्हें क्या चाहिए सीधा सीधा मेरी आँखों में डालकर पूछो। मुझे क्या पूछती हूँ, मैं एक करोड़पति लड़की हूँ। समझे, तुम्हारे साले को इंट्रोड्यूस करा दोगे तो उनके साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करने की सोच रही हूँ। ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, मैं अभी तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, अभी करता हूँ। एक एक आपको मदद करनी होगी। एक ट्वेंटी निकाल। समझ में नहीं आता है, ये मेरी तरह कड़की है, वाकई पैसे वाली है। हमें क्या, ठीक है मैं जरा उनको पूछ कर अभी लेके जाता हूँ। एक और खास बात, अचानक मेरे आवाज जैसी बाप रे बचाओ कोई है ऐसी आवाज तुम्हें सुनाई देगी, उसे मेरी आवाज समझ मत लेना। वो अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए मेरी आवाज में चिल्लाएगा। आवाज सुनते ही दोनों कान बंद कर लेना, कान खुले रखकर किसी भी प्रकार का रिसर्च करने की कोशिश मत करना। ओके ओके ओके। आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं यहाँ। आप आए तो बाहर आए, बड़ी मेहरबानी आपके साले साहब। फोन छह। हाँ यस 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 सर, यस इवनिंग 6 o'clock। ओके या बाय। क्या बात है, बिन बुलाए कहीं नहीं जाता मैं, चार सुंदरियां साथ में लाया हूँ, देखते ही तुम पसंद कर लोगे, सारी रिच गर्ल्स। व्हाट? जब घर में कोई काम धंधा नहीं है तो तुमने इस धंधे को अपना लिया, मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ। अच्छा? मैं दिखने में कैसा लगता हूँ? मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे इज्जत चाहिए। कैसी इज्जत? उन लड़कियों से मैंने कहा है कि साले साहब मेरी हर बात को मानते हैं, अगर नहीं माना तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लॉस होने दो। जब इतनी दूर आ गया हूँ तो खाली हाथ कैसे जाऊंगा, थोड़ा तो ख्याल कीजिए। सिर्फ इतना ही? जावा सुमित्रा द्वीप के बारे में आपने सुना है? सुना तो हूँ लेकिन डिटेल से कुछ नहीं जानता मैं। मैं 700 करोड़ के मालिक हूँ कहूँ तो यकीन करेंगे? वो सब बेचकर इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली हूँ कहूँ तो यकीन करेंगे? उस बिजनेस में आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ कहूँ तो यकीन करेंगे? मैडम प्लीज बी सीटेड प्लीज। दो चाय लगे ना सर। इसके 700 करोड़ बोलते ही अपने पीए से चाय मंगवा रहे हैं, अगर 7000 करोड़ बोलती तो अपने पीए से संडास भी साफ करवाएंगे क्या? जुरासिक पार्क। हाँ जुरासिक पार्क, और वो क्या है टाइटैनिक, दो अंग्रेजी फिल्मों के नाम क्या जान गए, खुद को अंग्रेजी मैन समझने लगी, ये सब कचरा माल है सर। आउट। क्या बोल रही थी? 700 करोड़। 700 करोड़ तो हो जाए शुरू सर। आई मीन उन 700 करोड़ रुपयों को कब आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, पूछा मैंने। ठीक है सर, आप क्या क्या बिजनेस करते हैं? सूर्या एक्सपोर्ट, सूर्या गार्मेंट, सूर्या कंस्ट्रक्शन, सूर्या स्टील, सूर्या फाउंडेशन, सूर्या फैब्रिक, सूर्या केमिकल, सूर्या पेपर, सूर्या मिनरल्स एंड सूर्या मेटल्स। इन रेशमी जुल्फों के लिए शैम्पू, नैनों के लिए काजल, सुंदर गालों के लिए फेस क्रीम, होठों के लिए लिपस्टिक और इस नेक के लिए नेकलेस, यहाँ तक नीचे की खैर नीचे की छोड़िए, देश विदेश में जितनी भी बालिक और नाबालिग लड़कियां हैं उन सब की जरूरतमंद चीजों को सिर्फ ये सूर्या ही बनाता है। जरा अपनी पीठ तो दिखाओ ना। इसलिए? साबुन लगाने के लिए ही। ऐसे वैसे साबुन के लिए मैं पीठ नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ सूर्या साबुन के लिए दिखाऊंगी। सूर्या साबुन से नहाओगी तो खूबसूरती और भी निखर जाएगी, आजकल तो यही स्टाइल है ना, इसलिए मैं सूर्या साबुन के साथ आया हूँ। तो मलो ना। मलता हूँ ना। मल मल के तेरे जिस्म को। ए, कट 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 कट। क्यों
तू साबुन लगा रहा है या फिर नेशनल हाईवे पे नैनो चला रहा है। तू जैसे ड्राइवर को लगाने का चांस दिया यही मैंने गलती की। सॉरी सर, मैडम की पीठ एकदम हाईवे की तरह बिल्कुल फ्लैट है ना, इसलिए अपने हाथों को कार की तरह आगे पीछे चला रहा था। हाँ जी। हे मिस्टर, मैंने अपनी पीठ 5 करोड़ रुपए के लिए LIC में इंश्योर कर रखी है। मेरी पीठ में जरा भी खरोंच पड़ी ना तो LIC में बड़ी दरार पड़ जाएगी। सुनिए मैडम, सिर्फ पीठ ही या और कुछ भी? मिस्टर शक्ति सिंह सर, क्या आप जरा मेरी बात सुनेंगे? आज का मौसम कुछ भीगा भीगा है और ऊपर से हवा भी। मोहतरमा की पीठ कोमल है, आप प्यार से मलिए तभी हमारे साबुन की बिक्री होगी। सर, मैडम की पीठ को छूते ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए आप साबुन को हाथ से छिपा रहे थे। मिस्टर शक्ति सिंह, हम पीठ नहीं बल्कि साबुन बेचते हैं, इतना जान लो। अब साबुन लाओ। लीजिए। कैसे मलना है मैं सिखाता हूँ। इससे छिपा कर नहीं, यूँ दिखा कर इस कोमल बदन पर इस साबुन को ऐसे मलो। अब तुम ठीक से मलो। हाँ, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। ओके, या कहिए। ये सब क्या? हाँ, सॉरी सर, तुमने मुझे गलत समझ लिया। आई एम सूर्य प्रकाश, आई एम नॉट फॉर गर्ल्स, आई एम फॉर बिजनेस, क्योंकि मैं 100% व्यापारी हूँ। या 200% व्यापारी होगा बेवकूफ। मैंने तुझे गले लगाया क्योंकि मुझे तेरी ये CD चाहिए थी। संजीव, यही है वो CD। ये बताओ, इसे रख के तुम करना क्या चाहते हो? 6 बरस पहले मैं खरबपति हुआ करता था, लेकिन सूर्या ने मुझे कंगालपति बना दिया। अब जो भी व्यापार वो शुरू करेगा, उस व्यापार के फॉर्मूले को तुम्हारे जरिए मैं हासिल करूंगा। ए सूर्या, तू अगर 100% व्यापारी है तो 100% तेरी मौत मैं। या ओके, आई विल कॉल यू लेटर। ओके सर, ये फंक्शन किस लिए? बेवकूफ, इस साल फ्लाइट में ज्यादा सफर करने की वजह से मुझे चुनकर ये लोग सम्मानित कर रहे थे। सर, मेरे इलाके से मैं भी सिलेक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा दिन अपने घर पे नहीं रहता ना, इसलिए मुझे सम्मानित करने वाले हैं मेरे इलाके के लोग। अच्छी बात है। आप भी ना सर, परसों रात जो ही मैं अपने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, मेरी बीबी बाहर आकर कहने लगी कि मेरे पति आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, आप 2 हफ्ते बाद आइए। तो सुबह गए होते। ओहो, आप अनजान बनकर बोल रहे हैं या जानकर? झूठ बोलने में रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली आ रही है सर। पता है उस कन्या के हाथ में क्या है? आईब्रो पेंसिल। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। आईब्रो पेंसिल से छक दे मारेगी और आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सर, नाक बंद कीजिए, नाक बंद कीजिए। उसने अभी अभी रुमाल पर क्या छिड़का पता है? परफ्यूम। परफ्यूम नहीं सर, क्लोरोफॉर्म। अगर आप उस रुमाल को सूंघ ले गए तो आपका काम हो जाएगा तमाम। जब भी देखो जो जी में आया भगते रहता है। हाय मेरी फुलझड़ी। आप दिन ब दिन तरक्की करें, यही मेरी ख्वाहिश है। थैंक यू। ये किस फिल्म का डायलॉग बोल रही है? सर, जरा उसकी कमर पर देखिए। छी, ये तो बुरी आदत है। कमर देखना बुरी बात है, ये आप बोल रहे हैं? जरा कमर के नीचे तो देखिए। ये तो और भी बुरी बात है यार। ओ नो, आपको देखना ही होगा, उसकी कमर के नीचे मानव बम फिक्स है सर। सेलफोन। उसकी बॉस सुनकर मैंने इस फुलझड़ी की साड़ी उतरवा दी। एक्सक्यूज मी, ओके ओके ओके, ये बताओ कौन हो तुम? मैं एक BBA स्टूडेंट हूँ, आपके ऊपर एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। आप इतने बिजी रहते हैं इसलिए आपसे मिलना आसान नहीं, और मुझे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। ओके 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 ओके, तुम्हें क्या चाहिए? 1 आवर, सिर्फ 1 आवर आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। 1 आवर? हाँ। इस सूर्य प्रकाश के लिए 1-1 सेकंड बहुत कीमती है, शायद तुम नहीं जानती हो। नहीं जानती। ओके, somehow ट्राई करता हूँ मैं। क्या बोला? ट्राई करेंगे। या ओके, ये लो तुम्हारा मोबाइल। सॉरी, ये पकड़ो अपनी साड़ी। क्यूट गर्ल। Thank you.
रहे इसको कुछ तो समझो जरा। मेरा दिल तो सदा बिजनेस में है, इंटरेस्ट नहीं मुझे प्यार में, सुल्फों में तेरी मतलब नहीं, मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तुझे क्या पता मेरे प्यारे जाने जा, मेरे सपनों में मैंने तुझको देखा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इंडिया के 10 नामी व्यापारियों में दूसरे दर्जे के स्थान देकर मुझे सम्मानित करने के लिए आप लोगों ने इस समारोह का आयोजन किया। यू वर्क हार्ड एंड कीप ऑन वर्क हार्ड। कोई इंसान जब हारता है तो उसके पीछे कई वजहें होती है, लेकिन जीत की सिर्फ एक ही वजह होनी चाहिए और वह है सिर्फ उस इंसान की मेहनत। अगर कोई भूखा आपके पास आ जाए तो आप उसे माछ मत खिलाइए, बल्कि माछ पकड़ने का रास्ता दिखाइए। अगर आप उसे माछ खिलाएंगे तो तुरंत दूसरे के पास जाके माछ मांगना शुरू कर देगा। यदि आप उसे माछ पकड़ने का रास्ता बताएंगे तो वो कड़ी मेहनत करके माछ पकड़ के खुद भी खाएगा और बची हुई माछ को हाट में बेच के 2 पैसा कमाएगा। एक और उपदेश, कोई अगर गरीब बन के पैदा होता है तो ये उसकी गलती नहीं है। अगर मरते दम तक वो गरीब रहा तो ये सिर्फ उसी की गलती होगी। नमस्कार। सर, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है।
मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहूंगा, क्या आप मुझे 5 मिनट देंगे? नहीं डियर, आज के ना उन्नो कुन्नो दिन। ठीक है, चमा जी आते थे। एक्सक्यूज मी, ये क्या सर? देखो इसी का नाम वीडियो कैमरा है। वो तो मालूम है, चुराई कहाँ से? चोरी का माल है, दिखने में तो तू चोर है। मेरी पत्नी ने अपने बच्चों को प्यार से लेके दिया है, उन बच्चों को बताए बिना मैं यहाँ उठा कर लेकर आया हूँ। मतलब साफ है चोरी का माल है। साले के मुकाबले में एक 100 फैक्ट्री खोलनी है, उसके लिए एक एड फिल्म बनाना चाहता हूँ। उस एड फिल्म को एक डिफरेंट एंगल बनाने में मदद करने के बजाय इसके लिए मेरे दिमाग में एक ही आइडिया है। वो क्या है? किसी मशहूर हीरोइन को पकड़ते हैं, उसके बाद उसको झील में ले जाएंगे और हम चोरी छुपके नजारा देखेंगे। गुरु, अगर कोई लड़की तन्हा ना आ रही हो और चोरी छुपके हम उसे वीडियो कैमरे में कैद कर लें तो विज्ञापन असली लगने के साथ धंधा भी खूब होगा। देखो तुम्हारी बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी लड़की हमें कहाँ मिलेगी? अरे गुरु, लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? हम अपने वाहन को स्नान करते हुए शूट कर लेंगे। बहन स्नान करते हुए? इसके लिए तुम्हारी बहन मान जाएगी? मैंने अपनी बहन के लिए कहाँ बोला? मतलब मैं तो आपकी पत्नी को ही अपना बहन समझता हूँ। क्या कहा? मेरी पत्नी? हाँ गुरु। कितने दिन से सोच रखा या, टिकट रेडी है क्या? टिकट रेडी है सर, लेकिन आपकी फ्लाइट 1 आवर लेट है। 1 आवर? कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं? सर सिर्फ 1 घंटे की तो बात है, आप कहीं भी जाकर टाइम पास कर सकते हैं। वेट, 1 आवर आप कंची में लेना चाहते हैं? या आई गॉट द आइडिया। अरे वही 700 करोड़ सुमात्रा दीप वाली, उसे फोन करके यहाँ बुलाओ 1 घंटे के लिए, बुलाओ। अरे उसका फोन नंबर मैं कहाँ रख दिया? इनकेस वो नहीं आई तो उसकी माँ को बुला लूंगा। क्यों सर, कार्ड ढूंढने से पहले प्लान को क्यों बदल रहे हैं? ये रहा कार्ड, लगता है उसका बाप काउंसलर है। जो निशान दीवार पर बनाने चाहिए उसको कार्ड में बना दिया है, लगता है टोटली लूज है। दोस्त तो ही है, ये किसकी तस्वीर है? चाबी और ये 3। दोनों को मिला के बोलो। चाबी और 3। अंग्रेजी में बोलना। की 3। दोनों में से किसी एक को अंग्रेजी में बोल यार। की और 3। ए, मेरे सवाल का जवाब दो, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? चाबी। और इसे अंग्रेजी में? 3। अब दोनों को मिला के बोलो। चाबी चाबी 3 सर। या, अब नंबर बोल। 9 8 8 4 0 लूज। ए, पलट के पढ़ना। 9 8 8 4 0 लूज। पलट के पढ़ना। ओ, उल्टा होके पढ़ना है क्या? 9 8 8 4 0 लूज। पेपर को पलट के पढ़ने के लिए कहा सर, पेपर पलटने पे कुछ नहीं सर। पहले के 5 नंबर को यूं पढ़ो, उसके बाद पलट के पढ़ो। ओ, ये बात है। 9 8 8 4 0 3 5 0 0 7। ये क्या सर, इस तरह से क्यों देख रहे हैं? ये सब मैं अपने गांव होशियारपुर से सीख कर आई हूँ। हाँ, और सिर्फ इडली नहीं, मक्की की रोटी, सरसों का साग, पालक पनीर, गोभी के परांठे, आलू के परांठे, ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन आपको किसी भी होटल में मिलेंगे नहीं। या 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 प्लीज थोड़ा टेस्ट करके देखिए ना सर। या व्हाई नॉट श्योर, ये साइज तो छोटी है, है? स्वादिष्ट होगा, खाइए ना। टेस्टी टेस्टी। थैंक यू सर। सावित्री, मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। कैन यू हेल्प मी सावित्री? बोलिए ना सर। कल मुंबई में मैं एक नया ऑफिस खोलने वाला हूँ और सिटी के बड़े बड़े VIPs भी आने वाले हैं। कल तुम्हें सिर्फ मेरे लिए वो सारे डिशेस बनाने होंगे जो तुम जानती हो सावित्री, और उन डिशेस को खाने के बाद लोगों के मुँह से लार लपके। क्या है? मच्छर था, मच्छर। नो प्रॉब्लम, सूर्या मस्किटो कॉइल जलाने से मच्छर अपने आप गायब। मच्छरों का दुश्मन सूर्या मस्किटो कॉइल। ये क्या मजाक सोचा तुम्हें? मच्छर को मारो मसलो नहीं, जोर से मारना। सर ये बाद में मारेंगे, पहले आप तो शुरू कीजिए। एक बार मारिए ना प्लीज। या मुझको बोलते हैं धीरे से मारता हूँ, और मुझसे भी धीरे से मार रहे हैं। वो प्रोड्यूसर हैं, कैसे भी मार सकते हैं। गुरु अंदर एक कन्या नग्न होकर स्नान कर रही है। अच्छा मौका, जल्दी सूट कीजिए। नहीं यार मुझे तो फंसा दोगे बेकार। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे कहता हूँ ना मेरी बात मान लो। अरे हम लोग आपके साथ हैं, सुनो मेरी बात। ए मैडम, कब तक पीठ दिखाती रहोगी? जरा इधर घूमो ना, हम भी देखें। क्या बोला तूने? एक दो तीन चार पाँच।
छोड़िए साहब, एक और गुस्सा मारने दीजिए ना मुझे। ओके, इसे कोई भी पांच गुस्सा साथ नहीं मार सकता। अगर तुमने इसे ज्यादा मारा और ये मर गया तो जो पीछे खड़े हुए हैं उनका क्या होगा बताओ? हमारे क्षेत्र के सभी लोगों की ख्वाहिश है कि इसे मारें। दफा हो जा, 400 लोग और खड़े हैं मारने के लिए। 400? तू चिल्ला क्यों रहा है? ऐसी मुझसे कौन सी गलती होगी जो तुम बारी बारी एक एक करके मुझको मार रहे हो? यहाँ कोई भी गलती करता है तो छोटे से लेकर बड़े तक उंगली में से आई लगा के घूसा मार मार के उड़ी मार मार के अधमरा कर देते हैं। यही यहाँ का रिवाज है। मार में अच्छी मार क्या, उड़ी मार क्या? अरे 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 हटना, चल रास्ता छोड़। अरे जिंदा से जबरदस्ती मार खिलवा रहा है, मार कब खत्म होगा? सुन, एक दिन में तुम्हें 50 लोग मारे तो 400 लोग कितने दिन में मारेंगे तो हिसाब है? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, आप ही बताइए। हाँ, अभी तो पोस्ट ऑफिस के सारे लोग आते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस वाले अरे सावित्री, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं बोल रहा हूँ। बात यह है कि सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग में मैं एक नया होटल खोलने वाला हूँ और उस होटल के चीफ कुक तुम होगी। क्यों झटका लगाना सावित्री? हमेशा तुम फ्लाइट में रहोगी और हफ्ते में 5 दिन तुम विदेश में रहोगी। सिर्फ यही नहीं, मेरे होटल में विजिट करके वहाँ जितने भी कुक्स हैं उन्हें पाक कला के बारे में समझाओगी, वो जो भी डिशेज बनाते हैं वो टेस्टी है या नहीं इस बात की रिपोर्ट तुम मुझे देगी। दैट्स ऑल। सो इस फ्लाइंग, टेस्टिंग और चेकिंग के लिए तुम्हें कितने पगार मिलेंगे पता है कुछ? मंथली 25,000 रुपीज पर मंथ। ये एग्रीमेंट है, प्यार से तुम इस पे एक दस्तखत कर देना, दैट्स ऑल। बधाई नहीं दोगी? इस एग्रीमेंट को साइन करते ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और तुम्हें फक्र होना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी के पास तुम काम कर रही हो। चलो साइन करो, करो करो करो। अरे इस तरह खड़ी होकर क्या सोच रही हो तुम? पगार कम है क्या? ओके, मंथली 50,000। आओ 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 आओ। हेलो, 50,000 रुपीज मैडम, 50,000 रुपीज जिंदगी में देखिए क्या? चलो दस्तखत करो, आओ। किसी ने ठीक कहा, औरतें जूती के बराबर हैं, थोड़ी छूट दी तो सर पे चल जाती हैं। ओके ओके, मैं तुम्हें फाइनली 1 लाख पर मंथ। ओके, कम। हेलो, या 1 लाख रुपये तनख्वाह डिमांड कर रही है। कोई बात नहीं, दे देंगे, लेकिन इसके हाथ में जादू है। हाँ, आर यू मैड? डू यू नो द वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज? चल में तुम्हारी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन खुद को सुमात्रा देव की महारानी बोल रही थी, भूल गए क्या? अरे तू क्या जाने 1 लाख रुपए की कीमत? अरे जाना, जाके किसी मंदिर के पास जाके बैठ के भीख मांगना, भीख मांगना। आती है कि नहीं? ओके ओके, इस बात को राजी रखना, जो भी मुनाफा होगा आधा आधा लेंगे हम। यस, तुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लूंगा मैं। कागजात पर साइन करो। मुझे बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं चाहिए। फिर? लाइफ में पार्टनरशिप चाहिए। व्हाट? इस एग्रीमेंट में अगर साइन कराना है तो मुझसे शादी करनी होगी। मैं खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझता था, लेकिन तू तो मेरी अम्मा निकली। हेलो, मेरी हैसियत के बारे कुछ पता है तुझे? अरे मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए कई कारोबारी आज लाइन में खड़े हैं, कुछ पता है? और एक तू है जो अपने हुस्न के 4 रंग दिखाकर मुझे फ्लैट करना चाहती है। देख बेब,
अगर तुमसे शादी करके ही मुझे वो होटल खरीदना है तो मुझे वो होटल नहीं चाहिए और ना तू भी। सुमात्रा द्वीप से 700 करोड़ रुपए मिलेंगे इसी भरोसे से मैंने इसे दोस्ती की थी, लेकिन इसके हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजन के जरिए दुनिया भर में अगर होटल खोलूंगा तो 700 करोड़ रुपए आराम से कमा लूंगा मैं। उदाहरण के लिए 4-5 साल की बाद किसी और लड़की से शादी कर भी लूं तो मुझे सिर्फ 200 करोड़ दहेज मिलेंगे। अगर इससे शादी कर ली तो 700 करोड़ रुपए मिलेंगे मुझे, और उन 700 करोड़ रुपयों का 5 वर्ष के लिए मिनिमम ब्याज 7x150 मंथली 10 करोड़ 50 लाख रुपीस, 5 साल के लिए 670 करोड़ 50 लाख रुपए, असल 700 और ब्याज 670 करोड़, कुल 1370 करोड़ रुपए। इस तरफ फफक क्यों रहा? सॉरी सर। क्या हुआ? आप तो ब्रह्मचारी हुआ करते थे, लेकिन अचानक पता नहीं कैसे आप इतना बदल गए। इडली। इडली? क्यों, तूने खाई नहीं क्या? सर खाने की बात छोड़िए, जब से आपके साथ लगा हूँ इडली देखने को भी नसीब नहीं हुई है सर। आज से 2 साल पहले जौनपुर के एक मद्रासी होटल में 2 इडली खाने गया और अचानक पेट में बहुत जबरदस्त गड़बड़ी हो गई। मेरे लिए भी ये नया अनुभव है। श्वेत फूल सा कोमल इडली खाई है मैंने। छोड़िए सर, किसी को कोमल मिलती है? ट्रोशन मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये क्या है? एग्रीमेंट के मुताबिक आपने मुझसे शादी कर ली, उसी एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे भी तो आगे चलना होगा ना। मेरी पाक कला की वजह से आपने मेरी मांग सिंदूर से सजा दी, उससे संबंधित किताब है ये। व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं इसमें डिटेल से लिखा है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आकर मुझसे जरूर कहिएगा, आपके होटल्स के सेफ को आकर मैं सब कुछ डिटेल में सिखा दूंगी, ठीक है? ग्रेट। एक्सेलेंट। विच शैम्पू डू यू यूज? शैम्पू नहीं है। तो फिर हेयर ऑयल? वो भी नहीं। कोकोनट ऑयल? हाँ सही कहा। और उसमें? उसमें त्रिकुटा, त्रिफला और आंवला और सत्रीठा। क्या रीठा? सत्रीठा। ओ रीठा रीठा। जरा हाथ तो छोड़ो। क्यों? आप फिर हाथों के साथ बदमाशी करेंगे। हाथ उसी के लिए बना हुआ है डार्लिंग, थोड़ा थोड़ा। एक मिनट, अभी जड़ी बूटियों का नाम फिर से दोहराओ। त्रिकुटा, त्रिकुटा, त्रिफला, त्रिफला, आंवला, आंवला, सत्रीठा, सत्रीठा, और सिर्फ यही नहीं तुलसी भी, और तुलसी, ये सब। हेलो, या सूर्या, या मैं अपना नेक्स्ट बिजनेस बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, शैम्पू एंड हेयर ऑयल, गॉट इट? और फॉर्मूला मेरे पास है। सुनो, जल्दी से लिखो, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, सावित्री बोल रही हूँ।
साहब जी विदेश गए हुए हैं, मैं उन्हें अभी अभी एयरपोर्ट पर छोड़ के आ रहा हूँ। सिनेमा देख रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। जब भी मैं सूर्या के करीब होती हूँ मैं आग में जलती हूँ। घबराओ मत, क्लियोपेट्रा भी आ जाए तो उस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो लेबल चिपका के बाजार में बेच देगा। क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? सब अरेंजमेंट हो चुका है, कल सुबह हम दोनों की शादी रजिस्टर ऑफिस में होगी। हाँ, साइन कर दो यहाँ। जोश में आके साइन कर दिया। इसमें क्या लिखा है पता है तुम्हें? मेरे और सूर्या के बीच जो नाजायज रिश्ते थे उसका पर्दाफाश हो गया है, इसीलिए बेइज्जती से बचने के लिए खुदकुशी कर रही हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ सूर्य प्रकाश ही है। देखा, एक ही तीर दो निशाने, उसके आने से पहले तेरा काम तमाम कर दूंगा। तुम जैसे मच्छर को जब मैंने इसके साथ देखा तभी समझ गया कि दाल में कुछ काला है, और अच्छी तरह मुझे पता है कि तुम इसकी कोमल बदन के खून चूसना चाहते हो। बिजनेस के मामले में 100% बिजनेसमैन हूं मैं, और फिर मामला लफड़ा का हो 100% टपोरी है आपू। चाहे मुझे कोई भी दंड दे मैं तैयार हूँ। दंड दो? इस दुनिया में सबसे बड़ा दंड क्या है जानती हो? मुआफी है, और मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। या गाइस, वी हैव टू फाइनलाइज द मटेरियल फॉर द प्लेट्स एंड आई वांट यू टू कम आउट विद गुड आइडियाज। एक्सक्यूज मी सर। यस व्हाट? लंच। अरे जल्दबाजी किस लिए, देख लो ना मीटिंग चल रही है यहाँ पर। ओ भाभी। ओ, फोन करने से कहना कि मैं खास मीटिंग में हूँ। वो खुद आई है यहाँ। What? वो आपके लिए भोजन लेके आई है यहाँ। वो क्यों आई है? Excuse me, बुरा मत मानेगा, just 5 minutes. Move! Hey, क्यों आई हो? क्यों आई हो? किस लिए यहाँ आई हो? कौन है तू? हाँ, मैं आपकी वाइफ हूँ। वो सब घर में। This is my office and यहाँ माँ बहन बीवी जमाई साला किसी को भी कोई जगह नहीं है, समझ गई ना? जिस तरह तुम्हारे लिए मंदिर ही सब कुछ है उसी तरह मेरे लिए ऑफिस ही सब कुछ है। No one should come here. तुम्हें किसने बुलाया?
खाना लेकर आई हूं। खाना वाना लेकर यहाँ मत आना, घर में खिलाना मुझे। आप घर में आऊंगा तब खिलाना, घर में आऊंगा तब। लिसन, इस तरह टॉर्चर क्यों कर रही है मुझे? ओ, मेरा मूड खराब हो गया और इस खराब मूड में मैं बिजनेस की बात कैसे कर पाऊंगा? और बिजनेस की बात करूंगा तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। मेरा दिमाग मत चाटो, मेरा बिजनेस खराब कर रही हो। बस सुनो, बिजनेस में मेरी मदद करने वाले कोई भिखारी भी हो तो मैं उसकी पूजा करूंगा, और इस बिजनेस को बिगाड़ने के लिए तो मैं तेरा खून भी कर सकता हूँ। मेरी बात मानिए, शांत हो जाइए, खाना खा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये बकवास खाना कौन खाएगा बोलो? उस दिन इसी खाने की आप इतनी तारीफ कर रहे थे। तब कहा था मैंने, बिकॉज आई एम बिजनेसमैन, आई एम बिजनेसमैन, मैं कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी खाऊंगा। हर पत्नी की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि आप मेरे हाथों से बना खाना खाएं। ख्वाहिशों को गोली मारो। ख्वाहिश पूरी करने के लिए दोपहर का खाना लेकर आएगी, और शाम को घर पे खाना खिलाएगी, और रात में डिनर के लिए लेके जाओगी, फिर पिक्चर देखने की जिद करोगी, रात को सेक्स करने के लिए कहोगी, चौपाटी से पाव भाजी लाने के लिए कहोगी। ऐसी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, आई एम सूर्य प्रकाश। आँख खुली हो या बंद, मुझे एक ही आदमी दिखाई देता है, अंबानी। उनसे एक रुपए ज्यादा कमा के दिखाना चाहता है ये सूर्य। उसके बाद तुम कुछ भी कहो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, चाहे जहर भी दो मैं पी लूंगा। हाँ, नाउ यू गेट आउट। ठीक है जी, जब आपको घर आने की फुर्सत मिलेगी तब आकर खा लीजिएगा। आपका पसंदीदा चिकन सूप लाई हूँ, इसे तो पी लीजिए। गेट आउट। हेलो शोभराज सर, सॉरी लंच के बाद जो मीटिंग रखी थी उसे कैंसिल कर दीजिए। एक्चुअली मेरी वाइफ घर से मेरा मनपसंद का खाना लेकर आई थी, मैंने गुस्से में उसे फेंक दिया। दरअसल टूटे प्लेट को देखने के बाद मुझे पता चला कि वो प्लेट हमारी कंपनी की ही प्रोडक्ट है। ऊंचाई से गिर के टूटने का मतलब है प्लेट स्ट्रांग नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आयरन कॉन्टेक्ट बढ़ाना होगा। प्लेट अगर आसमान से भी गिरे तो उसमें दरार तक नहीं होनी चाहिए, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट को काबू में कर पाएंगे। ओके, या आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके बाय। पांच साल बोले तो ऐसी होती है क्या? इतनी बड़ी आज तक मैंने सपने में भी नहीं देखी है। तू ही कचरे, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। ए, किसकी तलाश में? वो मैं चोर को ढूंढ रहा हूँ। वो सब कहाँ गए होंगे, उनको मैं कैसे ढूंढूं? मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा नाम मत लेना। नहीं लूंगा सर। एक 10 का नोट हो तो देना। 10 का नोट? 50 पैसे ही है। चलेगा ला, आइस के लिए काम आएगा। ये लीजिए। पानी की टंकी के पीछे छिपा है, जल्दी से पकड़ ले। टंकी के पीछे? मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, इतने विस्तार से समझा रहा हूँ, फिर भी तुम सोच रहे हो? मैं अपनी इकलौती माँ की कसम खा के कहता हूँ, वहाँ जाके जल्दी से देख। एक, पानी। हे भगवान, बच गए। दो, पानी। उस पेड़ के नीचे पानी। तीन। हाँ? ओए, कौन है तू? मैं कौन? मैं जो भी हूँ, तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कौन हूँ? पूछ रहा हूँ ना, सीधी तरह बताते यार। मेरा नाम दिनेश पांडू है। ठीक है, यहाँ किस लिए आया? इधर आने की वजह, स्कूल में मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं, मेरी पत्नी ने कहा कि उनको खाना देकर आ जाओ, इसीलिए मैं आया। खाना देने के लिए आया है तो सिर्फ खाना देकर जाओ, वो सब छोड़ के यहाँ वहाँ हेरा फेरी क्यों कर रहा है? ऐसी कौन सी मैंने हेरा फेरी करी भैया? तूने कुछ भी नहीं किया। मेरे दोस्त से 50 पैसे घूस लेके हम सबको पकड़वाया, ये सब मैं ऊपर से देख ही रहा था, तुझे दूंगा तो। बेटे मुझे गाली बाली मत दो, मैं तुम्हारे बाप के उम्र का हूँ ना। मेरे बाप की तरह तू पेश नहीं आया ना। हा? क्या बोला? तो फिर तुझे क्या सर बोलूं? ओए, मैं कौन हूँ पता है? कौन है? दाऊद का नाम सुना है क्या? हाँ हाँ। उनकी रखेल का बेटा हूँ मैं। 20 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक के मेरे अब्बू कराची में रह रहे हैं,
उनकी औलाद को तूने सिर्फ 3 मिनट में पकड़वा दिया। ओए, तेरे साथ क्या सलूक करूं? इतना इतना आवेश में मत आओ। निकाल रहे हथियार। देखो बेटे, देखो बेटे, ये सब तुम्हारी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है। देखो मेरी, मैं बात मानो तुम। देखो मैं कहता हूँ तुम्हें। अरे भागो 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 भागो। अरे चुप जाओ भाई, चुप जाओ। अरे 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 हेलो, कॉन्फ्रेंस के लिए सब तैयार है ना? हाँ, 1 मिनट। हेलो, मैं सावित्री बोल रही हूँ। सासू माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या? आप फौरन चले आइए। ओके, मैं तुरंत आता हूँ। सर, सबको हाफ एन आवर होल्ड कीजिए, क्योंकि घर में माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। ओके माँ, 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 आइए। माँ कहाँ है? बात यह है कि माँ कहाँ है? बताती हूँ। माँ कहाँ गए? होशियारपुर से मेरे पापा, मेरे रिश्तेदार, सब लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये कहती तो आप यहाँ नहीं आते, इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ या, सूर्य बोल रहा हूँ, मैं भी आता, मीटिंग जारी रखो। सर वो सब के सब चले गए, अगली मीटिंग कब होगी वो आपको फोन करके बता देंगे। दे है गॉन? जी हाँ सर। दे है गॉन? हाँ सर। खुश होना, खुश होना। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? 100 करोड़ 100 करोड़ मैं आज से वापस कब आएगा मुझे पता नहीं है। ऐसा क्या हो गया जो तू इस पर इतना चिल्ला रहा है? तू इसे ब्याह कर तो यहाँ पर ले आया। इसके पिताजी तुझे देखना चाहते थे, तुझसे बात करना चाहते थे, तो क्या गलत किया? बेमतलब की बातों के लिए वक्त नहीं है माँ। ये बिल गेट्स है या फिर अंबानी, इसे तो मैं कभी मिल सकता। हाँ पुत्र, ये तो ब्याह भी साड़ी मर्जी नाल नहीं होया सी। ओए, मेरी शादी मेरी मर्जी से भी नहीं हुई। ब्याह जिद्दां भी होया होवे, कुछ रीत रिवाज तो होंदे ने ना, ताई मैं तुहानू अपने घर लेके जांदा सोचदा पिया सीगा। तुहाडे घर? इस घर नो बेच के तोड़े घर आऊंगा मैं। ओ नहीं पुत्र, तुहानू घर लेके जाके बकरा बुकरा कट के कोई पार्टी कर देता। पार्टी? हाँ। बकरा? हाँ। बकरे के 2 पीस खाने के लिए मुझे 1000 किलोमीटर यानी होशियारपुर आना होगा क्या? हाँ? भेजे में कुछ है क्या? माई बाबू को भेजा बहुत पसंद है, इन्हें भेजा फ्राई करके दीजिए। ओ चुप कर। हाँ? अरे ये क्या पुत्र, इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं आप? हमसे पूछे बिना आपने हमारी बेटी से शादी कर ली? हमने कुछ कहा क्या? हम तो सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ रहते हैं। अब समझा, फर्स्ट नाइट को मैंने तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं रखा, इसलिए तुम तरफदारी के लिए अपने बाप को लेकर आई हो ना? मुझे गलत समझ रहे। hey, you are clever, clever. चार इडली खिला के मुझे फंसा दिया ना तूने। बस मैं तुम्हारे साथ इन रिकॉर्ड करूं यही चाहती हो ना तुम? That's all? देख सावित्री, मेरी फ्लाइट 2:45 को है, यहाँ से सिर्फ 45 मिनट का सफर है। अगर ट्रैफिक हुआ तो 5 मिनट और ज्यादा, 50 मिनट समझ लो, तो 1 घंटे पहले मुझे वहां रहना होगा, मतलब 11:45 का मुझे जाना है। And now the time is 11:35, और मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, और इस 10 मिनट के टाइम में मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो, फिर पंजाब से इन लोगों को नहीं बुलाओगी ना? तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। मेरी तीनू मेरी अखां सामने ऐदा मारदा पिया, तू इंसान है? माँ वो बच गई ना, अब तो तुम खुश हो ना? मुझे मीटिंग के लिए जाना है। हाँ, आप उसे समझाइए कि आइंदा वो इसे हरकतें ना करे, मैं चलता हूँ। ओके रुक जाओ। हाँ, उसे तो हमने बचा लिया, अब तुम्हें बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। आज हम सभी घर पर थे, उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए तो वो बच गई। कल जब कोई घर पर नहीं होगा तब वो ऐसा नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? मेरा पति सूर्य प्रकाश ही मेरी मौत का जिम्मेदार है। अगर मान लो उसने ऐसा लेटर लिख दिया तो उसके बाद तो सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते ही रह जाएगा। उसके बाद अभी जो तू कहता रहता है ना, मीटिंग में जाना है, कॉन्फ्रेंस में जाना है, ऐसी बातें कोर्ट में नहीं चलने वाली। अच्छी तरह सोच समझ कर ये फैसला लिया है ना?
फिलहाल आपने उस लड़की पर केस किया है, अगर बदले में उस लड़की ने आप पर केस किया तो आप क्या करेंगे? केस? और मुझ पे? वाई 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 वाई। उस लड़की के आइडिया से ही होटल, हेयर ऑयल, क्रीम वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं। अगर उस लड़की ने रॉयल्टी का केस थोप दिया तो अदालत में वही जीतेगी। साहब जी, अगर एक आम आदमी डाइवोर्स लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप जैसा आदमी डाइवोर्स लेता है तो रास्ते में आने जाने वाले सब उसी की बात करेंगे, प्रेस मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर वाले तक यही बात करेंगे। रातों रात आपका इमेज डैमेज हो जाएगा, आपके अंदर का जमीर आपको स्लो पॉइजन की तरह मारेगा। और कोई चारा भी नहीं है, आपको बिजनेस भी संभालना होगा, दूसरी तरफ परिवार भी। डैडी बाय, हम स्कूल जाकर आते हैं। ओके बच्चों। क्या घूर रहे हो? ये मेरे दोनों बच्चे ट्विंस हैं, ये अरुण वो वरुण। नहीं डैडी, आप गलत बोल रहे हैं, मैं वरुण हूँ और वो अरुण है। ठीक है तुम जाओ। बाय डैडी। ये कन्फ्यूजन मेरे घर में बार बार होता है, एक गलती करेगा तो दूसरे को भरना होगा, एक बार चॉकलेट लेके फिर से वही ले जाएगा, अरुण के बदले वरुण एग्जाम लिख लेगा। गुड मॉर्निंग सर। या सर, कल हम लोगों ने ऑफिस में विश्वकर्मा पूजा की थी, आप नहीं थे, प्रसाद लीजिए। कल मैंने तुमसे कहा था कि रामलालन कंपनी का अग्रीमेंट भेजो, भेजे क्या? भेज दिए। तो ये क्या है? सर ये ओरिजिनल है, मैंने जेरोक्स भेजा। सालों पहले क्लोनिंग के द्वारा मनुष्य को बनाने के अपराध में गिरफ्तार हुए प्रसिद्ध डॉक्टर स्टीफन राज आज रिहा कर दिए। इन्होंने बकरी, भेड़, घोड़ा आदि जानवरों की क्लोनिंग कर बहुत ही नाम कमाया है, और साथ ही उन्होंने एक मनुष्य के शरीर से सेल लेकर उसी जैसा एक और मनुष्य बनाया जा सकता है ऐसा साबित कर दिया। क्लोनिंग के जरिए इंसान को बनाना गलत समझते हैं क्या? नहीं, इस भीड़ वाली दुनिया में इंसान को दो हाथ और दो पैर काफी नहीं है, 24 घंटे भी काफी नहीं है। विज्ञान और विज्ञान की खोज में कई लोग दिन रात एक कर रहे हैं, कुटुंब की देखभाल के लिए उनके पास वक्त नहीं है, ऐसे जमाने में एक क्लोनिंग से भले मनुष्य की बेहद जरूरत है। मनुष्य के सेल को लेकर क्लोनिंग के जरिए उसके जैसे एक बच्चा पैदा कर सकता है ऐसा सुना है मैं, लेकिन मेरे जैसे आदमी को बना सकता है ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। मुझे बिजनेस भी चाहिए और फैमिली भी चाहिए। मेरे शरीर से एक सेल को निकाल कर एक और सूर्या को बनाऊं तो वो घर की देखभाल करेगा और मैं बिजनेस की देखभाल करूंगा। या
अम्मा मैं 100% व्यापारी हूँ, बोलो। मैं परसेंट 100 मापारी वैसे नहीं, 100% व्यापारी हूँ, बोलो। मारिया बोल ना। अरे मेरी तरफ बोल, मेरी तरफ बोल। जो ही तुम उनसे मिलोगे, कैसे हैं आप, चाय पियेंगे? मैं पुराना सूर्य नहीं हूँ, अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ऐसा पूछना तुम उनसे। हाँ, कैसे हैं आप, चाय पियेंगे? मैं पुराना सूर्य नहीं हूँ, अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा, अगर मुझसे गलती हुई तो माफ कर दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, बोलिए। कैसे हैं आप, चाय पियेंगे? अब मैं पुराना सूर्य नहीं हूँ, अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा, अगर मुझसे गलती हुई तो माफ कर दीजिए, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। कैसे हैं आप, चाय पियेंगे? अब मैं पुराना सूर्य नहीं हूँ, अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा, अगर मुझसे गलती हुई तो माफ कर दीजिए, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। कैसे हैं आप, चाय पियेंगे? अब मैं पुराना सूर्य नहीं हूँ, अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा, अगर मुझसे गलती हुई तो माफ कर दीजिए, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। हमका कछु नहीं चाहिए साहब, हमारे पति बहुत दिनों से एक गाड़ी मांगत रहे हैं, वही लाई के दे दो साहब, चाहे तो हमारी पगार में से काट लो। कैसे हैं आप, चाय पियेंगे? अब मैं पुराना सूर्य नहीं हूँ, अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा, अगर मुझसे गलती हुई तो माफ कर दीजिए, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। साहब का कछु हुई गवा। ओह नमस्कार। नमस्कार। दरअसल मैं ही हूँ स्टीफन राज डॉक्टर। एक हफ्ते पहले आपका बेटा सूर्या हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था। आपको पहले वाले सूर्या में और अभी वाले सूर्या में बहुत फर्क मिलेगा। वो बार बार बकेगा और एक ही बात को बार बार दोहराएगा। हाँ वही दोहराएगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज में, बल्कि हर बात में थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। हाँ, एक स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन है सूर्य प्रकाश। उसके मन के अंदर खानदान के प्यार के लिए एक छोटा बच्चा बन गया है आपका सूर्य प्रकाश। इससे पहले उसकी आंखें बंद थीं, अब खुल गई हैं। एक ही आदमी जब दो नावों पर चलेगा तब तो जरूर डगमगाएगा ही ना। वो आप सब थोड़ा समझ कर एडजस्ट कर लेंगे तो ये क्या, कुकर की सीटी बजाते ही आप टेंशन में आ जाते थे और आज आप खुद सीटी बजा रहे हैं। आजादी जो मिली है 47 में हमें जो आजादी मिली थी, 2008 में सीटी बजा के खुश होने वाले सिर्फ आप ही हैं। अरे यार, आज मैं कितना खुश हूँ पता है तुम्हें? तिरुपति जाकर सर मुंडन करने के बाद जो है सर पे चंदन का लेप लगाते है, सर कूल कूल हो जाता है, ऐसा ही कूल हो गया है मेरा दिल यार। अभी तुम कहाँ हो? आपके साथ कार में हूँ सर। मैं कार में भी हूँ और घर में भी हूँ। ओ, आप यहाँ पे हैं और आपका मन घर में है, यही कहना चाहते हैं ना? यहाँ भी हूँ मैं और वहाँ भी हूँ मैं। अरे रे, इससे पहले इडली की बात बताकर मुझको उल्लू बनाया और अब आप कुछ और कह करके मेरा दिमाग चाट रहे हैं। सर आप चाहे कहीं भी रहिए, आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरा हाउस ओनर क्या बोला मालूम है? बेटे तुम बाहर गांव जा रहे हो, अपना काम आराम से खत्म करके वापस आना, तुम्हारी बीवी का मैं ख्याल करूंगा बोल रहा था। अरे अच्छी बात है ना। हमारी गैर हाजिरी में हमारी फैमिली का ख्याल कोई और करे तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? सर देख यार, हमारे काम को हमारे बदले कोई और करे तो हम फ्री हो जाएंगे ना। अरे सर, हमारी बीवी के पास हरे गरे आए, वो कोई पानी पूरी की दुकान नहीं है। नमिता,
आपने याद दिए? एक सुंदर सी लड़की देखी नहीं कि टक्कर मारी शुरू कर दी? हाँ चल, उसके टकराने से मेरा कुछ घिस गया क्या, या मेरी इज्जत लुट गई? बोलो। बात वो नहीं है। इस रोड में लाखों लड़कियां घूमती रहती हैं, उन लाखों लड़कियों को छोड़कर अगर मुझे ही छेड़ रहा है, इसका मतलब मुझ में भी कोई बात है। सर 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 सर, संभाल के, घोड़ी है वहाँ। सर अच्छा हुआ आपने ब्रेक मार दिया, अगर टक्कर मारते तो ब्लू क्रॉस वाले आपको अंदर कर देते। क्यों? घोड़ी जख्मी हो जाती तो आप क्या करते? शट अप। आप सूर्य प्रकाश? मेरी कंपनी कैट फिल्म में एक्टिंग करने के लिए मुझे मॉडल चाहिए। इस तरह बीच सड़क पर ऑफर जरा बुरा मत मानिए। आर यू इंटरेस्टेड? मैं इतने खूबसूरत हूँ क्या? ये भी कोई सवाल है क्या? झील सी आंखें, चेरी लिप्स, सेक्सी हिप्स। मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता। Shall I tell you something? अगर आप मॉडल की दुनिया में आएंगे तो नंबर वन बन जाएंगे आप। सर इन्हें लेकर आए फिल्म बनाने से बेहतर है कोई ब्लू फिल्म बना के खूब पैसे कमा लेते हैं और दोनों आराम से रहेंगे। Shut up! अच्छा क्या सोचा आपने? सॉरी सर, फिलहाल मैंने ऐसे कुछ नहीं सोचा है। अगर मन में विचार आया तो आपके एड में जरूर मैं एक्टिंग करूंगी। इन्हें मेरा विजिटिंग कार्ड देना। हाँ ये लीजिए। मैडम एक बात कहूँ, सारी लड़कियाँ रुमाल लेकर हाथ में घूमती हैं और आप अपने रुमाल को नीचे लगाई हुई हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई लाइक यू मैडम, आई लाइक यू, आई लाइक यू। हेलो या सूर्य प्रकाश बोल रहा हूँ। अरे भाई मैं भी सूर्य प्रकाश ही बोल रहा हूँ, तुम कहाँ हो ये बताओ? नेदरलैंड में हूँ मैं। अरे अपनी मदर को अकेला छोड़कर नेदरलैंड में क्या कर रहा है तू? बहुत खूब, कुछ दिन घर में रहने के बाद तू भी भावुक हो गया क्या? तुमने क्या कह के मुझे यहाँ भेजा? मेरे घर वालों को मेरा बिजनेस करना पसंद नहीं है, इसलिए तुमने मुझे यहाँ भेजा ना? मैं भी गलतफहमी में था। यहाँ आते ही पता चला कि दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं है, और तुम्हारे लिए जीने वाली वो तुम्हारी बीवी, भोली सी तुम्हारी वो दीदी, तुम्हारे प्यार के लिए तरसने वाली बहन, और तुम्हें मामा मामा कहने वाले वो तुम्हारे भांजे और भांजियां। और इन सब को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, झूठ। व्यापार और परिवार को संभालने के लिए मुझे तुमने बनाया। कुछ दिन मैं व्यापार को संभालता हूँ, तुम फैमिली को संभालो। मैंने एक्टिंग के लिए भेजा तो ये मुझे एडवाइस कर रहा। हेलो, सिग्नल वीक है इसलिए मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। सिग्नल वीक नहीं यार, तू ही वीक है। व्यापार के नाम पर पैसों के पीछे भागने वाले तुझे परिवार के साथ मिलाना ही इस सूर्य प्रकाश की ड्यूटी है। बाप रे! सर मैंने नहीं गिराया सर, दरअसल उनको देखते ही ये अपने आप गिर गया, मैं क्या करता? हाँ
the winner who has been crowned Miss Netherlands is Miss Sonali from Italy. And the runner-up of today's contest is Miss Namita. जब किसी लड़की का अपनी खूबसूरती पर घमंड होने लगता है तो उसी पल उसके चेहरे से शर्माहट का पर्दा उठ जाता है। ऑफ कोर्स वो लड़की बाहर से दिखने में जरूर खूबसूरत होगी मगर उसका दिल बहुत ही बदसूरत होता है। जब वो लड़की घमंड के दायरे से बाहर आएगी तभी नेक्स्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जरूर जीत जाएगी वो। इतनी सारी लड़कियों के सामने उसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है, उससे अगर बदला ना लिया तो मैं नमिता नहीं। सासू माँ चाहती हैं ये घर जूनियर सूर्या या जूनियर सावित्री की किलकारियों से गूंज उठे। अरे ये भी कोई बड़ी बात है क्या? अपने डॉक्टर से कहेंगे तो वो तुम्हारे शरीर से एक सेल को निकाल कर क्या झट से वो तुम्हें कोई ना कोई उपाय बता देंगे। ये क्या कह रहे हैं, हमारी तो अब तक सुहागरात भी नहीं हुई। सुहागरात नहीं मनाई यानी शादी के बाद से अब तक उस उल्लू के पट्टे ने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं। बेचारी ये लड़की क्या सोच रहे हैं? मैंने कल एक सपना देखा, हमारे 12 बच्चे हैं, उनमें से 6 लड़कियां और 6 लड़के हैं। कुड़ियां सब की सब मुझ जैसी दिखती हैं और सारे के सारे मुंडे आप जैसे ही हैं। और वो भी 12वां लड़का है ना, उससे कहो स्कूल बैग उठाओ तो ब्रीफ केस उठाता है। वो सपना कितना प्यारा था। तुम्हारे सपने जरूर साकार होने वाले हैं लेकिन ठीक वैसे ही उस सूर्या के सपने भी साकार होने चाहिए ना। क्या सपना है उसका? अंबानी से भी 1 रुपया ज्यादा कमाना और कुछ नहीं। ए जी, आप जब भी मेरे साथ मेरे पास होते हैं मुझे खुशी होती है, मेरे लिए यही काफी है। जब तक आपका सपना पूरा नहीं होता मैं वेट करूंगी। गुड नाइट। Hey, सर क्या कर रहा है तू? हाँ सर, वो क्या है कि घर में एक समस्या है, उसको भुलाने के लिए ही थोड़ा दारू पी रहा हूँ। ओह, दारू पीने से समस्या को भुला पाएंगे? हाँ भुला पाएंगे सर। तो लाओ। सर लाना। हर रात को वो नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ? होटल ली मेरिडियन सर। गाड़ी निकालो और चलो। बारह बजने को है, इतनी रात यहाँ क्यों आए हो तुम? देख मेरे भैया। क्या कहा? भैया? हाँ मेरे यार। यार टपोरियों की बोली तुम्हें किसने सिखाई? अबे जल्दी बता तुम्हें किसने सिखाई ये बोली? अरे गाड़ी में जब आ रहा था तो ड्राइवर ने सिखाई। गोबर गणेश बेईमान। अरे ड्राइवर के साथ दारू पीते तुझे शर्म नहीं आई क्या? शर्म के बारे तू मुझे ही बता रहा है? अपनी खूबसूरत पत्नी को घर में तन्हा छोड़कर यहाँ होटल में रूम लेकर रह रहे हो ना? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू शर्म के बारे मुझे सिखा रहा है क्या? जाना इट्स टू मच, अगर इस आगे कुछ कहा तो जान ले लूंगा तेरी। ये बता, एक मनुष्य के सेल से दूसरे मनुष्य को बनाना कानून के खिलाफ है ना? अगर इस राज को मैंने खोल दिया तो तू अंदर चला जाएगा। ये ड्राइवर ने नहीं बोला, डॉक्टर बोल रहा था उस दिन। ओए, ओए। और कुछ कहा तो यहीं से कूदी मार दूंगा। नहीं नहीं। और कल अखबार की सुर्खियों में आएगा कि उद्योगपति सूर्य प्रकाश ने खुदकुशी कर ली। अगर मैं कहूंगा कि मैं ओरिजिनल हूँ और तू डुप्लीकेट है तो पुलिस वाले तुझे झट से अंदर कर देंगे। धमकी दे रहा है क्या? देख आप उन हाथी है, और हाथी ने रौन दिया तो मारे जाओगे। सच बात कही मानता हूँ, हाथी के रौनने से चींटी की मौत हो जाती है। अगर वही छोटी सी चींटी अगर हाथी के कान के अंदर घुस गया ना, तब हाथी की पुंगी बज जाएगी। पुंगी तुम्हारे थप्पड़ का जवाब तो दे सकता था मैं। जब से तुम्हारे सेल से बना हूं मैं,
तुझे ही अपनी माँ मानते आ रहा हूँ। तुम्हें शायद माँ से प्यार नहीं है, लेकिन मुझे है। देख मेरे भाई सूर्य प्रकाश, अंबानी से एक रुपये ज्यादा कमाना तुम्हारा लक्ष्य है, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है जानते हो? पैसों के पीछे भागने वाला तुझे प्यार क्या होता ये समझा के तुम्हें एक अच्छा इंसान और सावित्री के लिए अच्छा पति बनाना ही मेरा लक्ष्य है सूर्य प्रकाश। hey, तू 100% बिजनेसमैन और मैं 100% फैमिली मैन। हर सुंदर लड़की ब्यूटी क्वीन नहीं बन सकती, ये मुझे रैंप में पता लगा। अरे पाजी, आप समझ में आएगा तू घर क्यों नहीं आता है? बिजनेस के बहाने तू घर से बाहर आकर लड़कियों के साथ इश्क लड़ा रहा है तू, हैं? जिंदगी में पहली बार अगर किसी ने मुझे मात दी है तो वो आप। सॉरी डियर, उस वाक्य से मैं खुद शर्मिंदा हूँ। रैंप में सबके सामने मुझे ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। नो सर, आपने वहाँ जो कुछ भी किया ठीक किया। तुम्हारे गरूर को तोड़ने के लिए ही मुझे अपने आपे से बाहर होकर ऐसा पेश आना पड़ा। अपने आपे से बाहर हो गया तू? खूबसूरत पति के घर में तनाव छोड़ के तू इसके साथ इश्क लड़ा रहा? ओके बाय, टेक केयर। ये क्या सर, अभी तो आप वहां थे या? और अभी पलक झपकते आप यहां से आ गए। वाओ, ड्रेस भी चेंज कर ली। अरे बात यह है कि जब तुम उससे नहीं मुझसे बात कराई थी ना, तब ऊपर से एक आदमी हम दोनों को वॉच कराता, इसलिए मैं उसके सामने से धीरे से बाहर गया और कपड़े बदल के फिर आ गया। ये बात है, बार बार तुम कहते हो कि मीटिंग में जा रहा हूँ। ये मीटिंग है तो अब तेरी बीवी के साथ मैं एक मीटिंग जमाता हूँ। सावित्री, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मैं तुम्हें ढूंढते हो कहाँ का नहीं गया। देखो तुम्हारे पति ने तुम्हें घरवाली तो बना लिया, लेकिन बार एक बार वाली भी फिक्स कर रहा है। अभी तो उसने सिर्फ बुनियाद डाली है, इसके पहले कि वो बार वाली को कोई घर बना के उसको रोकना होगा। चलो मेरे शबीर को खबर कर देना। ये क्या सर, 5 मिनट के अंदर कपड़े भी बदल के आ गए। कपड़े बदल के आ गए, आप तो जादू करे। ये क्या पकड़ी हो, आखिर क्या हुआ तुम्हें? इससे मुझे तंग क्यों कर रही हो? You know I'm very busy. Please leave me alone. मेरे पति के पास मेरे साथ बात करने के लिए ही फुर्सत नहीं है, ऐसे में वो दूसरी लड़की के साथ बात क्यों करेंगे? आइंदा इस तरह की बेकार की बातें करोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ डालेंगे, समझे? ये क्या हो रहा है? जब मैंने उसे अकेला देखा तो बनियन में बड़ी बड़ी ऊंची बातें कर रहा था, लेकिन जब इस लड़की को मैं यहाँ लेकर आया हूँ तब सूट बूट में गुस्से में है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नमिता, सावित्री, आप मजाक कर रहे हैं क्या? अभी कोर्ट सूट में आकर मुझे डांट कर गए। कंफ्यूज्ड हूँ मैं, इस बीच कपड़े बदल के आइसक्रीम भी लेके आ गए। लगता है वो फिर से आया था। गॉड, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। नमिता, ऑफिस के टेंशन से मैं परेशान हो गया था ना, इसलिए उस टेंशन से बाहर आने के लिए मैंने ऐसे किया नमिता। अच्छा, I swear, सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। ये लो आइसक्रीम खा लो। खा लो ना। नमिता, कुछ कहना चाहते हो ना? तो कहिए। नहीं, टॉयलेट जाना है जी। हो क्या हो क्या? ओके, वोडाफोन के साथ टाइप रख लेते हैं। ओके, लास्ट टाइम 5 मिनट के अंदर ड्रेस चेंज करके आ गए थे और अब 2 मिनट के अंदर ही। आई कांट बिलीव, सो क्यूट। ए लड़की, देखो तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मेरी शादी हो गई है और मेरी बीवी तुमसे भी खूबसूरत है, अंडरस्टैंड? तुमने सुना नहीं, अभी अभी वो क्या बोल रहे थे? बार बार मुझे वही सीन दिखा रहे हो, मुझ पर वो जान निछावर करते हैं। हम दोनों में वो डालना चाहते हो क्या? नहीं। देखो भैया, आइंदा उनके बारे में अनशन कहा तो जुबान काट के हाथ में दे दूंगी। जुबान काट लेगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
इस सब का कारण वो लाल घोड़ी है, उससे पूछेंगे तो ऑल डाउट आउट हो जाएंगे। रुक जा मैं कहता हूँ। ये बताओ आखिर यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अक्सर कपड़े बदलते हैं और अक्सर बातें भी। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं, आप उनके जीजू है ना, मेरी परेशानी का हल आप ही ढूंढ सकते हो। मैं आप ही के बच्चों की तरह रोते नहीं, तुम्हारे सपने को मैं साकार करके दिखाऊंगा, ये मैं अपने पत्नी की कसम खा के कहता हूँ। धीरज से काम लो, रोते नहीं बेटे, रोते नहीं। ठीक है। बहुत ही अच्छा सपना देख रही है, इसके सपने को साकार करके दिखाऊंगा मैं। भगवान तुम कब पधारी यहाँ पर? मुंह क्यों पूरी की तरह एकदम फुला हुआ है? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? क्या बोल रहे थे तुम मुझसे? तुम्हारे लिए मैं हूँ, तुम्हारे सबके मैं साकार करूंगा, ये मैं अपनी पत्नी की कसम खा के कहता हूँ। अरे मेरी कसम खा के शर्म नहीं आई? आइंदा से घर पे मत आना, तुम्हारे लिए घर में खाना नहीं है और ना खर्चे के लिए पैसे हैं। अरे मार मार के तुम्हारा हाल बुरा करना चाहिए, ये लो और खाओ, ये लो। अब किसी लड़की से नैन बटक के करो ये। अरे ओ नमिता, आज के बाद तेरा और सूर्य प्रकाश का कनेक्शन हमेशा के लिए कट करके रखूंगा मैं। आजा दिल रुबा, दे दे मुझे कुछ मीठा सा। ले जा दिल रुबा, जो भी लगे तुझे मीठा सा। तेरी लचक मचल मचल पतली कमरिया, तेरी लपक चपक तेरी छिनगरिया। अरे फूलों की रानी है तू, आजा मेरी बाहों में आ। मुझको दिल से लगा, आ जा दिल रुबा, दे दे मुझे कुछ मीठा सा। हे ले जा दिल रुबा, जो भी लगे तुझे मीठा सा। थोड़ी आग लगा दे, फिर जरा सी प्यास बुझा दे, मुझको अपना बना ले, फिर तो पूरी प्यास बुझा ले। धीरे धीरे सरक बहो मैं तुझे ले लूंगा मैं, होले होले मचल मचल मेरे दिल को बहलाना। आ दिल बस में नहीं है अब और ना सता, अब और मुझे तरसाती है क्यों। धीरे धीरे सरक सरक सीने से लगा लूंगी, क्या छुपा है मुझको दिखा। ये तेरा काम है देखना, मेरा सब कुछ तो है तेरा। आजा आजा दिल रुबा, दे दे मुझे कुछ मीठा सा। ले जा जाने मन, जो भी लगे तुझे मीठा सा। तेरे सबसे मीठे, उनका थोड़ा रस पिला दे। सोचता है क्या अनाड़ी, तेरे होठों से लगा दे।
बड़ा गोरी तेरा चिकना बदन, प्यार भरे दिल से जरा मेरा बदन चिपकाना, आ मैं तुझको दिखा दूं ए मुझ में छुपा क्या, जवानी का तो ले ले कुछ मजा। मर तो जैसा जोशीला ये गरम गरम तेरा बदन, मैं तो सदा तेरी प्यासी, मुझ में ही तो घुस जाना, बोल तेरी मर्जी है क्या, यो बातें ना बना, जवानी का तो ले ले कुछ मजा। तेरे गालों की गुलाबी में जाने जाना मैं खो गया, तेरी बातें तो शराबी सा है, तेरी बातें तो शराबी सा है, मुझको भी थोड़ा नशा हो गया। आजा आजा दिल रुबा, दे दे मुझे कुछ मीठा सा, ले जा ले जा जाने मन, जो भी लगे तुझे मीठा सा। अच्छा तो यही सूर्या का ऑफिस है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप? घर में सब खैरियत है ना? बाल बच्चे ठीक है ना? खूब मेहनत करना, लेकिन अंबानी से एक रुपया ज्यादा कमाने की कभी मत सोचना, समझ गया ना? बैठ जाओ। बुरा मत मानिएगा, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, घर पे ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, बस एक दिन की परमिशन दे दीजिए प्लीज। एक दिन की परमिशन नहीं, तुम पूरे 30 दिन की परमिशन लेके जाओगी तभी तुम्हें पगार दूंगा मैं। क्या? सर ये क्या, सर आप ऑफिस में आते हैं तो कोट पैंट पहन के आते हैं और आज टी शर्ट पहन के चले आए। ये मेरा ऑफिस है, मैं टी शर्ट में आऊँ या कॉफी शर्ट में, लेकिन ये पूछने वाला तू कौन था? सर ज्यादा भाषण मत दीजिए, जब से मैं आपका पीए बना हूँ तब से मैं अपनी बीबी को भुला दिया हूँ। सर आज मेरी शादी की सालगिरह है, अगर आप मुझे आज छुट्टी देंगे तो मैं अपनी बीबी के साथ कहीं घूमने चला जाऊंगा। सर पहले छुट्टी मांगता था, गाली देते थे, अब मारना भी स्टार्ट कर दिया। और क्या करूं, शादी की सालगिरह है, तुम्हें पत्नी के साथ होना चाहिए, और छोड़ के ऑफिस में क्या कर रहे हो तुम? सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते जयराम जी की। सर होटल से खाना मंगा चुके हैं सर, और मीटिंग हॉल में आपका सब इंतजार कर रहे हैं। होटल से खाना? सबकी शादी हो गई ना? हो गई सर। फिर क्यों होटल से खाना मंगा रहे हो? सभी स्टाफ को बोलो कि अपने अपने घर से वो खाना लाएं। ये सब कौन है, इस बिल्डिंग के मालिक है क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं सर, ये सब तो आपके लिए पूजनीय है। तेरी मती मारी गई क्या? अनजान लोगों की तस्वीर लटकाने से बेहतर है कि जन्म देने वाली माँ की तस्वीर लटकाओ यहाँ। लीजिए भी, आपकी पसंद की करेले की सब्जी लाई हूँ, अरे खाइए ना। और थोड़ा डालो ना। ये क्या सूर्य प्रकाश जी, आप भी बदल गए हैं और ऑफिस को भी बदल दिए हैं। जब से आपकी शादी हुई है हम देख रहे हैं आपके तेवर काफी बदले बदले से हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, अब मुझे ये ऑफिस लग रहा है। तस्वीर किसने लटकाई? आपने। व्हाट? आपने मुझसे बोला टांगने के लिए। ओ, तो उसका काम ही है। वो ये है कि खाना गर्म है, वहाँ ठंडा होने से पहले खाइए, डाइनिंग रूम में भाभी वेटिंग। भाभी? आपकी वाइफ। ओके 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 वो रस्सा उस तरफ है। ओके 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 फूह। ओए किसने यहाँ आई हो? ये ऑफिस है, यहाँ माँ बाप भाई बहन जमाई के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे लिए मंदिर ही सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए ऑफिस ही सब कुछ है। आई एम सूर्य प्रकाश 100% व्यापारी। ये सब आपने कहा था, अचानक कह दिया कि खाना ऑफिस लेकर आओ, तेरे हाथों से खाना चाहता हूँ। आप में ये सब बदलाव कौन लेकर आया? उस पाखंडी ने। पाखंडी ने? पहले मेरी बात मानिए, ये कोट और अपना ये कूलिंग ग्लास निकालिए, इसमें आपको देखते हो तो डर लगता है। आज से आप ऑफिस आए तो बनियान डालकर ही आइए। वो सब बाद में, पहले खाना। ये पता क्यों है, प्लेट कहाँ है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ दिन से आप ठीक हैं। मैं प्लेट लेकर आऊंगी, उससे देखकर आपको बिजनेस की याद आएगी और आपका दिमाग फिर जाएगा, और पहले की तरह गुस्से में खाना नहीं खाया तो। मेरी नकल कर रही हो? मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ जो तुम मेरी मजाक करती रहती हो हमेशा?
हाल कैसा है जनाब का? देखो, तुमसे बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तुम अपना खेल यहीं पे बंद कर दो। अरे भाई मेरे, ये तो शुरुआत है ना। तुम्हारी पत्नी को ऑफिस बुला लिया मैंने, अब तुम घर जाओगे, घर वालों के साथ बाहर घूमने जाओगे, सावित्री से खूब प्यार करोगे और उसे माँ बनाओगे, उसके बाद हमारी माँ दादी बन जाएगी, तुम बाप बनोगे और मैं चाचा बनूंगा। ख्वाब है ये, सिर्फ ख्वाब। हाँ, ख्वाब को हकीकत में नहीं बदल सकते तुम। कल की फ्लाइट से मैं फॉरेन जा रहा हूँ, पहले इत्मीनान से यूरिन कर मेरे भाई। काफी देर से यूरिन बाहर ही नहीं आ रहा है, तुम्हारी बात यूरिन ही नहीं मान रहा तो मैं कैसे मानूंगा? खोटी आवाज नहीं, कल तुम फॉरेन नहीं जाओगे मेरे भाई, फैमिली के साथ बाहर घूमने जाओगे, लगी शर्त? मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे साले सूर्य प्रकाश की वजह से नष्ट हुआ, भ्रष्ट हुआ, कष्ट हुआ, दुख हुआ, पेंशन हुआ, बदनाम हुआ, बेइज्जत हुआ, कहीं का नहीं रहा मैं। इतने सबक मिलने के बाद भी नहीं सुना? किसको कह रहा है तू? अरे आपको कह रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। फिर से रिपीट? तो फिर मैं चाबी देखो, ये दूसरा सब्जेक्ट है। ये बात है तो बोलिए। अगर मुझे अपने साले सूर्य प्रकाश से और बड़ा आदमी बनकर दिखाना है तो बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। डुप्लीकेट नोट बनाना चाहता हूँ लेकिन गवर्नमेंट मुझे परमिशन नहीं दी है। मेरे घर में मुझे मजबूरन किसी एक का अपहरण करना होगा, रातों रात करोड़ों रुपया बनाने की मैंने एक योजना की है। अरे अच्छी योजना है, बहन का ही अपहरण करते हैं। बहन मेरी पत्नी को कहा ना, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी पत्नी को बहन मत कहा करो, जब देखो मेरी पत्नी की आंखें खींचते रहते हो, आखिर बात क्या है? अरे क्या करो गुरु, वो हमेशा मेरी आंखों में समाई हुई है। मेरी पत्नी तेरी आंखों में समाई हुई है? ए, आज शाम को मेरे घर ले जाके मेरी पत्नी के हाथ से इसकी आंखें निकलवा देना। करेक्ट। हर बार तुम मेरी पत्नी को मोहरा बनाते हो, माजरा क्या है? गुरु, आपकी नौकरानी को अगवा करके 3 महीने में अपने पास रखता हूँ। उसे गर्भवती बना देगा, यही तेरा प्लान है ना? क्यों, तो प्लान ही बना सकता तू? जब देखो किसी लड़की की तस्वीर खींचो या तो किसी को घर में बिठा के 3 महीना प्रेगनेंट करके भेज दो, बेवकूफ कहीं का। और कुछ अच्छी बातें नहीं कर सकते हो क्या? गुरु, तुम्हारा साला व्यापार व्यापार बोल के विदेश में घूमता रहता है। हाँ। अगर तुम्हारे घर में कोई मर्द है तो तुम हो। हाँ। तुम्हारा अपहरण करके उनसे पैसे वसूल कर लेंगे हम। एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। हाँ। पहले ही मेरे ससुराल वाले मुझे छत पे ले जाके धक्के मारने का प्लान बना रहे हैं, ऊपर से तो आपको हवा दे रहा है क्या? मतलब आप खोटा सिक्का है यही ना? हाँ? देख, लगता है तेरा मर्डर मेरे हाथ से होने वाला है। उसको छोड़ो गुरु, क्यों ना हम आपके 3 बच्चों को ही अपहरण कर लें। मेरे बच्चों का अपहरण क्यों करोगे? अपहरण करके अपने पास ही तो रखेंगे। अरे गुरु, तुम बच्चों के साथ हमेशा घर में रहते हो ना, एक बदलाव के लिए बच्चों को तुम्हारे साथ रहने दो। हेलो, हेलो सूर्य प्रकाश, आखिर कब तक डबल रोल करते रहोगे? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं कौन हूँ वो भूल जाइए, अपनी फैमिली की समस्या का समाधान करने के लिए तुमने अपने सेल से एक और सूर्य प्रकाश को बनाया है, ये कानूनन गलत है। कौन है तू? तुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? ये राज तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हाँ, और जब तक ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लगता है मेरा सर फट जाएगा। हाँ, तो उसकी कीमत क्या चाहिए बोलो? 10 करोड़ रुपयों के साथ ठीक 5 बजे MGM के पास आना। क्या है जी? तुम यहाँ कैसे आई? क्या ऐसे पूछ रहे हैं? कुछ देर पहले आपने फोन करके कहा कि तैयार होकर आ जाओ, MGM घूम कर देखेंगे, कहा था ना? ओह, ये सब उसी कमीने का काम है, अगर मैं गुस्सा हो गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा, इनको लेके जाना ही अच्छा है। चलो। जिस कमीने की कौन है तू? तो तू है, क्यों आखिर हार हो गई ना? लगता है काफी थके हुए हो तुम। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल चिकन सूप लेके आया। जूनियर ने तेरे चेहरे पे शूशू किया, उसका बुरा मत मानना। वो इसलिए कि
तुम अपने परिवार वालों से मिल गए ना इस खुशी में, वो तुम पे गंगा जल छिड़क रहा था। भुसावल के पास 100 एकड़ जमीन लेके मुझे 15 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पैसे फेंक कर एंजॉय करते हुए देखकर मुझे पता चला कि उस खाली जगह पर थीम पार्क खोल कर करोड़ों करोड़ रुपए कमा सकता हूँ मैं। अब लाओ ना मुझे वो सूप। इस सूर्य के सेल से बना है तू, और तुझ में इतनी अकल है तो माँ की कोख से जन्मा मुझ में कितनी अकल होगी। तू 3 महीने का है और मैं 30 बरस का हूँ। किस लिए हंस रहा तू? जरा वहां देख, वो सीधे यहीं आ रहे। अगर मैं मुखौटा नहीं पहनूंगा तो तू फंस जाएगा बेटा। क्यों मैं धमकी दे रहा है? देखने से क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी पत्नी फिर से खुदकुशी करेगी और तू पुलिस में फंस जाएगा। हाँ ओके, मुझे क्या करना होगा? अब आए ना लाइन पे, आज की रात तुम सावित्री के साथ घर में रहोगे। व्हाट? जो बोला वही करना। ओके। फंस गया ना। ओरिजिनल सूर्या से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आज रात देखना भूलिएगा मत। क्या है जी, नींद नहीं आ रही है क्या? तुम चुपचाप सो जाओ। क्या हो गया मुझे, सारा बदन जल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हो रहा मुझे? ऐसे वक्त में मन को काबू करके बिजनेस में मन को लगाना चाहिए, ऐसा अंबानी ने कहा है। क्या हो रहा मुझे, हे भगवान, कुछ कुछ हो रहा। ये क्या जी, आप अचानक नीचे कैसे आ गए? वो ये है सावित्री कि मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा है, मैं यही लेटे रहूंगा तुम्हारे पास। ओहो, आपको क्या हो गया है? अच्छा ठीक है, मैं पलंग पर सोती हूँ, आप यहाँ सो जाइए। नहीं वो गलत है। नहीं नहीं, वही ठीक रहेगा। ओ सावित्री आओ ना, छोड़िए, आओ ना, प्लीज छोड़िए सावित्री, प्लीज आओ ना सावित्री, आओ आओ ना, छोड़िए सावित्री, आजा सावित्री, आजा, क्यों? प्लीज छोड़िए। लेकिन क्यों? कुछ नहीं चाहिए सावित्री, क्योंकि मेरी पाक कला के जरिए आपने होटल बिजनेस शुरू किया था, मैं बहुत खुश हुई और फर्स्ट नाइट को मेरे केसों को सूंघकर शैम्पू का बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस में आपकी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हुई। जब चेहरे पर हल्दी का लेप लगाया तब आपने फेशियल क्रीम का बिजनेस शुरू कर दिया, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। अगर आज मैं आपके साथ सोंगी तो कल आप मेरी ब्लू फिल्म निकाल के बाजार में बेच देंगे। तुम लोग? आहा गुरु, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं, हर बेस में अच्छे लगते हो और खासकर इस बेस में स्पाइडरमैन लगते हो। आज तक लोगों को बचाते आए हैं स्पाइडरमैन, लेकिन पहली बार अगवा करने वाले स्पाइडरमैन तुम ही हो। गिरफ तो आपका अच्छा है, अंदर की चड्डी को बाहर क्यों पहना है बोलिए? ये बहुत जरूरी है, बाहर नहीं पहन सकता, मेरे बच्चों का अपहरण हो चुका है। बेकार की बातें छोड़ो और मेरे साले को फोन लगाओ, एक एक बच्चे का 3 करोड़ रुपया होगा, ऐसा धमकाओ उसे फोन पे। अरे क्या कहाँ खड़ा है तू, जानता है? अरे क्यों रिस्क ले रहा है, अगर नीचे गिर गया तो हड्डी भी नहीं मिलेगी तुझे। बचाने के लिए आप है ना स्पाइडरमैन? हाँ बड़ा स्पाइडरमैन, जब से इस ड्रेस को पहना मेरे तो हर खड्डे से धुआं ही धुआं आ रहा है। बड़ा स्पाइडरमैन चुप कर। गुरु गुरु क्या हुआ? हमारा प्लान चौपट हो गया। हाँ क्या हुआ? छोटी सी गलती हो गई। बच्चों को सामने मत बोल, बच्चों लोग तुम उधर जाओ, जल्दी जाओ, उधर जाओ, खेलो, जाओ जाओ। ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई? आपके साले को फोन किया। हाँ? आप ही दिनेश पांडू के साले हैं, पूछा। हाँ? उसने क्या कहा मालूम है? हाँ? मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया? हाँ? तुमने किस फोन से कॉल किया था? इसी फोन से गुरु। अरे ये तो मेरे साले का फोन है, ये तुम्हारे हाथ कैसे लग गया? कपड़े बदलते वक्त तुमने ही दिया था। ये क्या किया मैंने, भूल से मुझसे गलती हो गई, फोन मैंने तुम्हें दे दिया। देखो किसी का फोन आ रहा है, जल्दी जल्दी
गुरु आपके है? साले साहब का ही है। अरे कहाँ फंस गया रे, अब मैं क्या करूंगा? स्पीकर ऑन करूँ क्या? अगर स्पीकर ऑन करेगा तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। हाई हो जाने दीजिए, हम लोग इंजॉय करेंगे। हाँ, एंजॉय करने के लिए विविध भारती का प्रोग्राम है। तुम चुप रहो, क्या बोलते हैं हम सुनेंगे। ये यहीं पे हैं, बात कीजिए। कैसे हैं आप? अभी तक जिंदा हूँ। पर्डमन के गेटअप में बच्चों का अपहरण करके उन्हें एयरपोर्ट दिखाने के लिए ले गए हैं, ऐसे सुनने में आया। हाँ, लालच बहुत बढ़ गई थी मेरी, इसलिए ऐसा किया। इसी तरह हर सप्ताह अलग अलग गेटअप में बच्चों को पिकनिक ले जाएंगे आप? अरे बेवकूफ कहीं के, इस लालच की लालच ने मुझे एक टूरिस्ट गाइड बना के रख दिया। अरे सर, मंत्री जी से कैसे बात करनी है आपको मालूम है ना? मालूम कैसे है? बोलेंगे मंत्री जी कैसे हैं, चाय पियेंगे? मैं पुराना सूर्य नहीं हूँ, अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा अगर मुझसे गलती हो तो। इनफ, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे स्कूल की टीचर से बात कर रहे हो। आपकी मीटिंग दुग्ध विकास मंत्री से होने वाली है। दुग्ध विकास यानी? दुग्ध विकास यानी दूध को बढ़ावा देना। और दुग्ध? दुग्ध यानी मिल्क। मिल्क? मिल्क मतलब नहीं जानते आप? वो बिल्कुल सफेद होता है चांद की तरह। चांद यानी? चांद का मतलब नहीं जानते आप? सर दिन ब दिन आप खुरापाती होते जा रहे हैं। मंत्री जी ने अगर इस प्रोजेक्ट पे साइन कर दिया, हम दोनों ऑस्ट्रेलिया जाके डेयरी प्लांट लगा के खूब पैसा कमाएंगे। मंत्री जी बाहर जाने वाले हैं, जल्दी चलिए। ओह, सूर्या यहाँ रहते हुए भी घर ठीक से नहीं आता है। अगर ऑस्ट्रेलिया चला गया तो सावित्री बिल्कुल तनाव हो जाएगी। दूध के धंधे को मंदा करना होगा। अभी तक क्यों नहीं आए? कपड़े बदल रहे होंगे सर। चलो हम देखते हैं। सर वो मंत्री महिला हैं। तो क्या हुआ, चलो चलते हैं। सर इस तरह आप हड़बड़ी क्यों मचा रहे हैं? वो दूधों वाली मंत्री हैं, दूध दही खाकर उतारो ताजा होकर आएंगी। गौ माता कुल माता प्रणाम। मैडम आपको लोग बेबी काम धेनु कह के पुकारते हैं, इसका कारण क्या है? 8 साल की उम्र से ही मैं डेयरी फार्म चला रही हूँ और सारी दुनिया को दूध सप्लाई करती हूँ। अब भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे आप घुटने के बल ही चलकर आई हुई हैं। अब आप बड़ी हो गई हैं ना, बेबी को कट कर दीजिए अब। मैं दुग्ध विकास केंद्र में मिनिस्टर बन गई और हाँ। दूध का बेबी का हमेशा से कनेक्शन रहा है, इसलिए बेबी ना वैसे ही रह गया। आप दूध लीजिए ना। ये क्या मैडम, ये दूध पीने के लिए है या शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने के लिए है? छोटा गिलास नहीं है क्या? नो, हमारे घर पे जो भी आता है उसे बड़े बड़े ग्लास में दूध देने की हमारी आदत है। अगर फुर्तीला बनना हो तो इस तरह के बड़े ग्लास में दूध पीना ही बेहतर होगा। लीजिए ना। लीजिए सर, थैंक यू। मैडम ये जो विकास है ना, ये बचपन से ही है या अभी अभी हुआ है? नो, मालूम है ये तो दरअसल हमारे पूर्वजों की देन है। मैं उस विकास के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। सुना है कि आपकी आवाज बहुत सुरीली है। बिल्कुल सही कहा, छोटी थी जब बहुत अच्छा गाती थी। एक बार मेरी आवाज सुनकर लता मंगेशकर जी ने कहा था कि तू जिंदगी में बहुत बढ़ोतरी करेगी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा मैडम। आप यहाँ बेकार की बात मत कीजिए, प्रोजेक्ट से संबंधित बात कीजिए, समझ गए ना? प्रोजेक्ट के बारे में ही ना, सीरियस होकर देखो अभी करता हूँ मैं। सर देखिए आपने सीटी क्यों बजाई? मैडम आप दुग्ध विकास मंत्री हैं ना, इसलिए कुकर के स्टाइल में सीटी बजाकर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और कुछ नहीं। सर जब बिजनेस की बात करते हैं तो भिखारी से भी सीरियस होकर बात करते हैं, यहाँ मंत्री के सामने आप बेउदार करते हैं, क्यों कर रहे हैं? तमीज से पेश आइए सर। डिसेंट से? हाँ। मैडम मैडम इनकी हरकत का बुरा मत मानिए, इन्हें बचपन से ही इनकी आदत रही है कि कोई भयानक पर्सनालिटी को जब ये देखते हैं तो इनकी आंखें फड़कने लगती है, ये इनकी पुरानी आदत है। आपकी क्या आदत है मैडम? मैं फिल्में देखती हूँ। तो फिर आइए ना, नाइट शो फिल्म देखते हैं दोनों। अरे सर जी अब जरा खामोश रहेंगे, आप मुझे बड़ी बकवास क्यों बना रहे हैं? आपको मौका मिल गया तो आप इनकी कमर भी पकड़ लेंगे। अच्छी आइडिया है। आइडिया? अरे सर, सर जी यहाँ से चलिए आप। छोड़ो मैडम, अंदर जाइए। आप करती है तो आ जा। दिनों से आप जो भी कारोबार शुरू कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान ही हो रहा है, इसका कारण क्या है बता सकते हैं? वैसे आजकल मेरा ध्यान बिजनेस से ज्यादा फैमिली लाइफ की ओर ही जा रहा है। कुछ ही दिनों के बाद मैं अपने कारोबार को बंद करके बीबी बच्चों के साथ ही घर पे रहूंगा।
तो आप नंबर वन बनना नहीं चाहते हैं क्या? अम्मा यार छोड़ ये सब बातें, नंबर वन और नंबर टू में रखा ही क्या है? मैं एक सीक्रेट बोलता हूँ, किसी से बोलना मत हाँ। मेरे पास बहुत ब्लैक मनी है, जब तक इनकम टैक्स वाले आके मेरे घर में रेड नहीं करेंगे तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये क्या सर, ऐसे खुलकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको क्या हो गया? कुछ दिनों से मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए मैं क्या क्या बोलता हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। जोरा होने दीजिए। सर लोगों के लिए आपका कोई मैसेज? सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, रुपए कमाने के धुन में अगर बीवी बच्चों को भुला दिया ना तो मैं घर आकर तुम्हारे सर को फोड़ दूंगा। हाँ ए भाई ये संदेश तुम्हारे लिए, तुमने सुना क्या? मेरी सेल से बना है वो, हाइट में मेरी तरह है और दिखने में भी मेरी तरह है, यहाँ तक रंग भी मेरा है, लेकिन उसकी आदतें अलग क्यों है? मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ और वो फैमिली के पीछे भाग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है क्यों? सुनो इसकी वजह यह है कि तुम छोटी उम्र से ही घर परिवार से अलग रहे हो, मगर उसका जन्म होते ही उसे घर परिवार में छोड़ दिया हमने। कोई भी वाकया बच्चों के दिल में गहराई तक असर करता है, इसी तरह जब वह उस घर परिवार में पलता है तो उसे माँ का प्यार, बहन का प्यार, बाप का प्यार क्या होता है पता चलता है। उस प्यार को उखाड़ के फेंकना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। उसके लिए तुम्हें कारपेंटर की जरूरत है, मैं एक डॉक्टर हूँ। सोचो वही सरदर्द है लेकिन आप सबसे बड़ा सरदर्द है। सुनिए सर, एक खास बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। चाहे कितने भी पैसे खर्च क्यों ना हो, मेरे शरीर से एक और सेल निकाल कर एक और सूर्य को बनाना होगा आपको। एक और? फिर वो? कोई चारा नहीं है, उसका खून कर दीजिए। 30 साल, पूरे 30 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, वो रिसर्च नहीं मेरी तपस्या थी। एक मर्द और औरत से जो बच्चा पैदा होता है वो साधारण बच्चा होता है, मगर साइंस से पैदा किया हुआ बच्चा ईश्वर का दिया हुआ वरदान होता है। सूर्या उसे भला मैं मारूंगा है? आइंदा ऐसा सोचा भी तो तुम्हारे वजूद को मिटा कर रख दूंगा मैं। एंड आई मीन इट। क्यों अंकल, अगर आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर आपको बिजनेस में लॉस नहीं होगा? अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो होने दो ना। लॉस होगा तो फिर पैसे भी तो जाएंगे। पैसों को जाने दो ना। तो फिर घर के खाने का और घर के खर्चे का क्या करेंगे? सब लोग नौकरी करके कमाएंगे। क्या 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 करा साले साहब, आप तो रोज ऑफिस जाया करते थे लेकिन आज घर बैठकर हम सबको नौकरी के लिए जाने के लिए क्या बात है? आज से तुम काम पे जाओगे। मैं जाऊं? मेरी बात सुनिए साले साहब, अगर एक आदमी अखा दिन बेकार में घर बैठता है तो वो बेकार नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि परंपरा उसके खून 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 में आदत है, इतनी बात आपको पलनी पड़ती है। ऐसा कहने से बेहतर है कि आप मर ही जाते। क्यों मरेंगे? पॉकेट मनी के लिए साले साहब है, परी जैसी मेरी बीबी है फिर मैं क्यों मरूंगा? हाँ आपकी इन्हीं बातों पे तो मैं जान छिड़कती हूँ। ये हुई ना बात मेरी झांसे की रानी। ये क्या है? चौथा बच्चा? चार के लिए थूकते हो और तीन तो बाकी है। और थूको, मेरी एक बात याद रखना, मेरे दादा ही नहीं परदादा की कसम खा के कहता हूँ मैं, 7 बच्चों में से एक भी कम नहीं होगा, देखते रह जाओगे तुम। किससे बात कर रहे हो तुम? लक्ष्मी। सर आप अक्सर कहा करते थे ना, आपके एक बुद्धिजीवी गुरु हैं जिनका नाम आप हमेशा लिया करते थे, काशी विश्वनाथ जी। सुनने में आया है कि वो महाबलेश्वर में आए हुए हैं, अगर ये मौका आप चूक गए तो आप उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। ये क्या सर, आप इन कपड़ों में ऑफिस आए हैं? जानता हूँ, इन कपड़ों में आऊंगा और नंगा भी आऊंगा, यही कहने वाले हैं ना? नहीं, फिर तुम्हें भी नंगा करने वाला हूँ मैं। मुंह बंद कर। ये बताओ काशी विश्वनाथ जी कौन है, मैं उनसे क्यों मिलूं? गए काम से, जब भी आप टी शर्ट पहनते हैं पुरानी बातों को भूल जाते हैं, हमें बार बार दोहराना पड़ता है। काशी विश्वनाथ जी आपके प्रेरणा स्रोत हैं, आप उनके जैसा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो तस्वीर उनकी है, ध्यान से देखिए। मुझे याद है, मैं तुम्हें चेक कर रहा था। अच्छा अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये खबर तुम मुझ तक कैसे पहुँचाते? फोन के जरिए बताता। तो फिर फोन करके बोलो। आप तो सामने बैठे हैं। मैं तो हूँ लेकिन फोन नहीं है ना। पादे की बात कही, मैं भी बेवकूफ हूँ। हेलो, ए नाओ तुम ही जाओ। ए तुम रोकने की करचो? सर आई एम सूर्य प्रकाश। अरे अरे तुम ही से फंक्शन ऐसे चले सूर्य प्रकाश, तुम ही से कारबारी सूर्य प्रकाश। अरे वो टिकट ओपन करो। सर
मेरी बात का बुरा मत मानिए, इतना बड़ा व्यापारी होते हुए आप फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? अरे वावा की बोले रे, अभी बेचे हैं जिसे तो बीवी बच्चे तुम्हें पता है यहाँ जब उत्सव होता है तो हम अपने परिवार के साथ यहाँ उत्सव मनाने आ जाते हैं। सब आते हैं, चाचा चाची मामा मामी सबाई आते। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बच्चे हैं। मौका मिलते ही हम ताश खेलने लग जाते हैं। की होलो खबर सर, आप फैमिली में इतने घुल मिल चुके हैं तो बिजनेस मैचिंग कैसे करेंगे आप? अरे बाबा सुनो, तुम फैमिली के बीच बिजनेस से नहीं मुझे उलझा रहे हो। देखो दादा, पिछले 6 वर्ष दौरे मैंने ऑफिस के दर्शन ही नहीं किए, सारे फाइल्स घर में बुला लेता हूँ। इनफैक्ट मेरे लिए बिजनेस से ज्यादा जरूरी है मेरे पोता का माथा मुंडन। अरे शिवली, हाँ तो कचा मुझ नहीं आए, देखी तड़के के लिए ही चाहिए ना। हाँ। अभी लेकर आती हूँ बाबू जी। सर, 4 years back you were in number 1 position, लेकिन फिर से आप उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? देखो सूर्या, ये नंबर 1, नंबर 2 और ये शानो शौकत पर मैं भरोसा नहीं करता। अमर कंपटीशन है नफरत, मेरा रास्ता अलग रास्ता। सुनो, 2001 में मैं नंबर 1 पे था, 2004 में 4 पे आ गया और 2008 में नंबर 8 पे आ गया। ये मौसम की तरह बदला छेरे बाबा, ए भाभी हो ए दिगेशो। लेकिन मैं अपने पत्नी के लिए पति और बच्चों के लिए बाबा और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए दादा बनाना बना ही रहूंगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दुनिया उन्हें देखे चिरे बाबा, इसलिए बता रहा हूँ तुमको। सूर्या, मैं बहुत खुश हूँ। बॉयस 50 हो चुका है, दारू सिगरेट गुटखा इन सबसे मैं बहुत दूर हूँ। लेकिन एक बैड हैबिट है, प्यार भालोबाशा सामने मैं झुक जाता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा नशा क्या है जानते हो? भालोबाशा नशा। अरे रकम नशा सिर्फ खुशकिस्मत वालों को मिलता है। चलो सवाई। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई है, यानी कि देश के सभी कॉलेज एवं सभी स्कूलों और सभी क्लासरूम में मुफ्त कंप्यूटर वितरण योजना बनाई हुई है। करोड़ों कंप्यूटर सप्लाई करने के लिए प्राइवेट कंपनियों से कोटेशन भी मांगे हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ लग गया तो ओवरनाइट में हम मशहूर हो जाएंगे और फिर मशहूर होते ही मेरा सपना साकार हो जाएगा। सर, इसमें उन कंपनियों के नाम है जो टेंडर भरने जा रहे, खासकर उनके कोट किए हुए रेट भी इस लिस्ट में। हम सबका बाप वो सूर्य प्रकाश जो है, वो तुम्हारे इस प्लान को 2 महीने पहले ही जान चुका होगा। अब क्या करना है मैं बताता हूँ, उसके खास आदमी को खरीद लो। सर, मैंने पता लगाया उस कंपनी में से कोई दोगला इंसान नहीं है। पैसों के लिए लोग अपने माँ बाप को भी गोली मार देते हैं। उस सूर्य प्रकाश के दोस्त को किसी भी तरह खरीद लो। मुफ्त कंप्यूटर वितरण योजना के अंतर्गत उस कंप्यूटर के निर्माण के लिए जिस कंपनी ने सबसे कम दाम कोट किए हैं उन्हें ये टेंडर दे दिया जाएगा। रामलाल ग्रुप ऑफ कंपनी, एक कंप्यूटर के निर्माण का दाम 13,500 रूपए। एरिहेंट सॉफ्टवेयर 12,700 रूपए। सूर्या ग्रुप ऑफ कंपनीज 10,000 रूपए। मोहन नायर ग्रुप ऑफ कंपनीज 9,999 रूपए। मोहन नायर जी जरा बैठिए, एक कवर और है। एनी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड 9,998 रुपए। इस कंपनी का प्रोप्राइटर मिस्टर सूर्य प्रकाश। तेरे रगों में दौड़ रहा लहू,
और मेरे रगों में व्यापार, और मैं 100% व्यापारी। झटका लगा ना संजय, अगर मैं तुमसे पैसे नहीं लेता तो हमारे ऑफिस में कोई और लेता। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम कितने अमाउंट कोट कर रहे हो ये बात सूर्य को बताने के लिए मैंने तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने तो सिर्फ नमक हरामी की एक्टिंग की, खरीदने के लिए मैं बिकाऊ नहीं हूँ, कोई खरीद नहीं सकता मुझे। सर एक मिनट, आपकी धर्मपत्नी सावित्री का मोशेरा भाई हूँ। एक्चुअली स्टैंडर्ड के अमाउंट को कोट करने की आखिरी तारीख 16 थी, यानी कि शनिवार, लेकिन आपका टेंडर हमको मिला था 18 तारीख को सोमवार। कानूनी तौर पे इस इनवैलिड टेंडर को ओके करके आपको पूर्ण तरह से मिलने का कारण मैं नहीं, आपके ससुर साहब है। मैनू माफ कर दे पुत्र, तुसी पहले नंबर ते पहुंचन वास्ते ही मैं अपनी इज्जत नू छड़ के उन्हां दे पैर ही पै गया सीगा। तुसी जिन्नी वारी चाहते है तुसी मैं लत मार सकते हो, मैनू ओदा कोई गम नहीं हैगा, पर मेरी इको इच्छा हैगी है मेरे मरण तो पहले मेरे दोता या दोतरी मेरी छाती दे उत्ते खेलने चाहिए ने। हाँ बहुत है मैनू, बस अन्ना ही बहुत है गा। अपनी मर्जी के कारोबारी बनना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, आपके साले सूर्य प्रकाश का मर्डर करना होगा। हाँ? तुम्हें जो कुछ करना करो, लेकिन मेरे नाम को दाग नहीं लगना चाहिए। हाँ? ये क्या मजा लेके पी रहा? हाँ? बगल भी दिखा रहा है। हाँ? हाँ? क्या हाँ में हाँ? मैंने तुम्हें क्या लाने के लिए कहा था? बेहोशी का स्प्रे लाने के लिए कहा था, ये तो अतर लाए हो। गुरु गोद में बच्चा और शहर में ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब किसकी गोद में बच्चा है और कौन ढिंढोरा पीट रहा है? उदाहरण के लिए बोला। उदाहरण के भर में अब क्या करना है सोचो। चुप रहिए, क्यों ना तकिया इसके मुंह पर रखकर हम इसकी जान ले लें। चुपचाप शुभ काम जल्दी करो। या अली, तोड़ दे दुश्मन की नली। गुरु मार क्यों रहे हो? मुंह पे रख के दबाने को बोला तो पेट में रख के दबा रहा, और कहीं दबा देता तो। माफी दबाइए ना, दबाने माफी माहिर है। हर बार मुझे सेंटीमेंट में फंसा देते हो। चलो ये शुभ काम मैं कर देता हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहा तू? अरे अरे कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ जल्दी से आओ। अरे मुझे बचाओ ना, जल्दी जल्दी संभल के, धीरे धीरे मुझे उठाओ, धीरे खींचो मत, पर मेरी टांग मत खींचो। जरा उस अत्तर को देना, ऊपर की तरफ उठा रहे हो, ऊपर की तरफ उठा रहे हो क्यों? आखिरी कोशिश करते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। गुरु 11:40 हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं बताओ? 12 के बाद ही यमराज आएंगे। ए, उसका इससे क्या लेना देना है? गुरु यमराज के आने वक्त अगर खून करेंगे तो इल्जाम उन पे लगेंगे, हम बच जाएंगे। ऐसा एक सेंटीमेंट भी है। हाँ। लेकिन तब तक क्या करेंगे? FTV देखेंगे, ताश खेलेंगे। नहीं गुरु, बाजू में एक ठर्रे की दुकान है, चल के वहाँ एक ठर्रा मारते हैं। क्यों बे ओए, मर्डर करने आए हैं या कश्मीर के नजारे देखने के लिए आए हैं? सब निकम्मे हैं। देखो तुम तीनों वहाँ जाके बैठ जाओ, 12 में तुम लोगों को बुलाऊंगा। इस बार वार खाली नहीं जाना चाहिए। सूर्या, ये क्या तू छोटे बच्चों की तरह? खाना खा, ये ले। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, माफ कीजिए, उनके चौथे पर मैं नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, उनके चौथे पर हर कोई आया। इकलौता बेटा बिजनेस के सिलसिले फौरन गया है, आखिरी मौके पर वीजा ना मिलने के कारण वो बेचारा उनकी चिता को अग्नि भी नहीं दे पाया। माँ बाप की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उनकी चिता को उनका बेटा अग्नि दे। करोड़ों रुपए होने के बाद भी क्या फायदा, अंतिम संस्कार में उनका बेटा जो शामिल नहीं हुआ। अच्छा मैं चलती हूँ।
इतनी देर हो गई, कहाँ चला गया वो? कल 11 बजे की फ्लाइट है इंडिया, और मैं इंडिया क्यों आऊंगा, वहीं सेटल होने वाला हूं मैं। एक बार यहां से गया तो नो इंडिया, ओनली फॉरेन। व्हाट फैमिली? फैमिली से मेरा कोई लगाव नहीं है, यू मैं लगाव की एक्टिंग करता हूं। सच कहूं तो मेरे अनेक रूप हैं, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं कभी भी किसी भी वक्त खुद को बदल दूंगा, क्योंकि मैं 100% व्यापारी जो हूं। माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको नींद की दवा नहीं लेनी चाहिए, इन्हें लेने से आपकी जान को खतरा हो सकता है, डॉक्टर ने कहा है। इकलौता बेटा बिजनेस के सिलसिले फौरन गया है, आखिरी मौके पर वीजा ना मिलने के कारण वो बेचारा उनकी चिता को अग्नि भी नहीं दे पाया। एक बार गया तो नो इंडिया, ओनली फॉरेन। चंदा मामा से प्यारा तेरा मामा, चंदा मामा से प्यारा तेरा मामा। सूर्या, अब मैं मामा। आया माँ। क्या है माँ, बोलो माँ। कल सुबह वैसे ही तू जाने वाला है, उससे पहले मेरी चिता को आग दे दे। हाँ माँ, ये क्या बोल रही तुम, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ ना। झूठ मत बोल, फोन पर तेरी बातें मैंने सुन ली। ओ, मतलब सूर्या भी इसी होटल में है और उसकी बातों को माँ जी ने सुन ली है। माँ ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं क्लाइंट को पटाने के लिए ऐसा झूठ बोल रहा था। माँ के सामने नाटक मत कर, तेरे लिए माँ से बढ़कर दौलत ही सब कुछ है ना। माँ कैसी बातें कर रही हो तुम, पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं माँ, लेकिन माँ को खरीद सकते हैं क्या, माँ की ममता खरीद सकते हैं क्या, इस हंसी को खरीद पाएंगे क्या? आदमी को जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, माँ का प्यार कहाँ मिलेगा, बता दे कोई माँ का प्यार कहाँ मिलेगा। आदमी को जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, माँ का प्यार कहाँ मिलेगा, बता दे कोई माँ का प्यार कहाँ मिलेगा। रिश्ते हजारों होते हैं इस दुनिया में, माँ के जैसा कहाँ मिलेगा। रिश्ते हजारों होते हैं इस दुनिया में, माँ के जैसा कहाँ मिलेगा। जिसने हमें जन्म दिया कौन है वो, देवी घर घर में रहती है माँ है वो। जिसने हमें जन्म दिया कौन है वो, देवी घर घर में रहती है माँ है वो। आदमी को जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, माँ का प्यार कहाँ मिलेगा, बता दे।
में ही माँ को खुशियाँ मिलती है, ममता में ही माँ की कलियाँ खिलती है। बड़ा हो जाने पे भी प्यार देती है सदा, बुरा हो या हो भला माफ करती है सदा। उसकी औलाद सदा दिल में ही रहती है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहती है। दुनिया में सब कुछ है, कुछ भी नहीं माँ के बिना। जिसने हमें जन्म दिया कौन है वो, देवी घर घर में रहती है माँ है वो। आदमी को जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, माँ का प्यार कहाँ मिलेगा, बता दे कोई माँ का प्यार कहाँ मिलेगा। मन किसका भी नहीं, मन जो माँ का है, बड़ी किस्मत से मिले धन जो माँ का है। जैसे सूरज के लिए धरती घूमती है, वैसे ही माँ अपने पीछे पीछे घूमती है। सारी दुनिया हमको ठुकरा देती है, माँ तो गोदी में सदा हमको रखती है। बाकी दुनिया तो हमें दुखी दुख देती है, माँ तो जीवन में हमें सुखी सुख देती है। माँ, 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 आंखें खोलो माँ। सावित्री, माँ, सावित्री, माँ, माँ, आंखें खोलो माँ, सावित्री, माँ। आज मैं बहुत खुश हूं, पता है क्यों? रांची के लोहरदगा गांव में रहने वाला मैं आज हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का ऑफिस खोला हूं। इसलिए आज तक जिस मंजिल को पाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, आज वो मुझे मिल गई। सूर्या को खत्म कर। ओह शिट, इन लोगों को अभी टाइम मिला अर्थी उठा के लेके जाने के लिए। इस रोड के अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? जी, मैं सूर्य प्रकाश का दोस्त बोल रहा हूँ माँ जी। जी हाँ, अभी अर्थी उठा के लेके गए हैं। देखो संजय, इस वक्त मुझे रोको मत, जाने दो। मेरी माँ गुजर चुकी है संजय। मेरी माँ गुजर चुकी है। चिता को आग देने के लिए
मुझे जाना होगा संजय। चिता को आग देने के बाद मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें जो कुछ करना कर ले संजय। ए, आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा, तेरी माँ के साथ साथ तुझे भी हम ऊपर पहुंचा देंगे। तुम्हारी माँ? एक बस दुर्घटना में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उसमें तुम अपनी माँ को कैसे ढूंढोगे? मैंने जो कुछ भी कमाया है उससे मेरी माँ के नाम जो ट्रस्ट है उसके नाम कर दिए। ट्रस्ट की देखभाल तुम करना, मैं जा रहा हूं यहां से। अरे यार, आखिर कहां जाओगे तुम? तुम जीत गए। अरे तुमने तो उस पत्थर को पिघला दिया, सूर्य प्रकाश जैसे जानवर को तुमने इंसान बना दिया। तुम्हारी ड्यूटी खत्म बेटे। सही फरमाया। जब सूर्या को एहसास हुआ कि प्यार के सामने पैसा कुछ भी नहीं है, तभी से मेरी ड्यूटी खत्म। लेकिन क्या? मैं सूर्या का क्लोन हूं ये बात सिर्फ आप ही जानते हैं डॉक्टर। इस राज को राजी रहने दीजिए डॉक्टर। इसलिए मुझे जान से मार दीजिए। ये तुम्हें क्या हो गया, पागल हो गए हो तुम? अगर तुम उस घर में जाओगे तभी लोगों को पता चलेगा कि दो सूर्य हैं। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। मगर ये मुमकिन नहीं है। मैं कौन हूं डॉक्टर?
मेरी रचना क्यों की आपने? किस लिए मुझे उस घर में पहुंचाया आपने? किस लिए उस परिवार के सभी लोगों ने मुझसे प्यार किया? डॉक्टर, मैंने वहां कोई एक्टिंग नहीं की, मैं उनके साथ जी रहा था। और उन्हें भी भरोसा हो गया कि सूर्य बिल्कुल बदल चुका है। अगर मेरी एक्टिंग की बात वो जान गए तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगी डॉक्टर, और उनसे जुदा रहकर मैं जी भी नहीं सकता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर, मुझे जान से मारिए, मारिए। नहीं, 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 मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तुम्हारे दिल में प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम एक मशीन हो। डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मत कहना कि मेरे दिल में प्यार नहीं है। फिर मैं क्या कहूँ? उनसे जुदा होकर तुम जी नहीं सकते। कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है डॉक्टर। गजरा लगा दीजिए। ओहो, गजरा भी लगा दो। क्या सुन रहा? फिर से व्यापार की दुनिया में खो गए क्या? जुड़े में गजरा लगा जल्दी। गोदी में उठाइए।